Focus, back to my तो भाई लोग मेरा एग्जाम चला इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा उसके सलाह मुझे माफ कर देना इसके साथ साथ एक वन पंच मैन वाली एक सिमिलर सीरीज आने वाले जिसके अंदर आपको पंच मैन वाली वन पंच मैन वाली वाइफ आएंगी तो उसको देखकर आपको मजा ही आ जाएगा सारे रेस्टोरेंट की सीरीज को हमने कम्प्लीट कर दिया है और जिन्होंने भी इसके पहले अपिसोड को देख चुका है वो एक घंटा बारह मिनट के बाद से तुम देख सकते हो तो हाँ यार कमेंट कर देना तो चलो वीडियो को स्टार्ट करा जाए के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि 40 साल हो चुका है जब मैं इस वर्ल्ड पर आया था तब से आज तक कितना ज़्यादा फ़र्क है तब मेरा लेवल बस वन था और आज मैं इसका एंड करने वाला हूँ क्योंकि आज मैं अल्टीमेट डीमन किंग को हरा कर मेरे सारे दुख को ख़त्म करने वाला हूँ यह डीमन किंग जितना ज़्यादा हो सके उतने जल्दी मुझे मारना पड़ेगा तभी हम देखते हैं उसने एक अल्टीमेट स्लैश उस अल्टीमेट टीम एंड किंग को मार दिया होता है फिर बोलता है ये आखिरकार ख़त्म हुआ मेरा जर्नी आज इसी जगह पर ख़त्म हुआ मैं यो वो मेरा लेवल दो सौ पचपन आज मेरे सफ़र का अंत है क्योंकि आज मैंने अल्टीमेट टीम एंड किंग बोरा उसको हरा दिया है फिर हम देखते हैं उसकी टीम पार्टी को जिस पर तीन लोग होते हैं वो तीनों बोलते हैं आज हमारे जर्नी का एंड है हम किस जगह पर थे और किस जगह पर आए तभी हम देखते हैं जगह पर गोडिस आ जाती है वो बोलती है मेरे बच्चों तुम्हें क्या चाहिए हमने ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत ही अच्छा काम किया है उस अल्टीमेट डीमन किंग को हरा कर हमें बताया जाता है इस गॉडेस का नाम होता है गाइया फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारा जियबू बहुत ही ज़्यादा डेड स्माइल उस गॉडेस को देने लगता है फिर हम देखते हैं वो गॉडेस की तरफ जाकर बोलता है तुम ब्रिटिश तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे को मेरे जब इस वर्ल्ड पर आया था मेरे पास ना एबिलिटीज़ था ना वेपन्स पे ना कि सॉन्गेस्ट पार्टी में बसता है मेरे पास कुछ भी नहीं था मैंने इतना ज़्यादा दिक्कत बस तुम्हारे लिए ये झेला आज साल ही मैं तेरे को काट के रख दूंगा हम देखते हैं उस गॉडेस को मारने ही वाला था तभी उसका दोस्त आकर उसको शांत करवा देता है हम देखते गॉड एस चुके इससे बहुत ही ज़्यादा डर चुकी होती है फिर वो बोलती है ये कोई ह्यूमन नहीं हो सकता एक ह्यूमन के पास इतना ज़्यादा पावर कैसे हो सकता है फिर हम देखते वो सबसे बोलती है तुम लोग क्या चाहते हो मुझे बोलो मैं सबको वही दूँगी तो हम देखते वो और वाला बंदा बोलता है मुझे नेक्स्ट बैटल में जाना है तो हम देखते उसके लड़की वाली बोलती है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने बहुत ही बहुत ही ज़्यादा मज़ा कर लिया है मेरे लाइफ में इस इतने अच्छे कॉमरेड्स के साथ तभी हम देखते हैं मेन कहते हैं उसका गाल खींचने लगता है बोलते है, तुम इतने ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होते सब बात बोलने के लिए फिर हम देखते वो बंदा बोलता है जो कि आर्चर होता है वो बोलता है मुझे डायमंड सिंस के थ्रू जाने का पावर चाहिए और वेपन्स का भी फिर हम देखते क्वर्स बोलती है तुम डायमेंशन के थ्रू जाना चाहते हो ये तो मैं समझी बट तुमको वेपन्स क्यों चाहिए फिर हम देखते वो बंदा बोलता है मुझे रेवोल्यूशन लाना है जो बुलेट है उनको सबक सिखाना है जो कि वे क्रेसिस पर अत्याचार करते हैं मैं उनको हराऊंगा और मेरा प्रतिष्ठा स्थापन करूँगा फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ हाँ अच्छी बात है अच्छी बात है फिर हम देखते हैं गॉडेस इज गॉड से पूछता है तुम ऑलरेडी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा पैसा सबसे ज़्यादा मैन पावर और डायमेंशन के थ्रू पावर तो है ही डायमेंशन के थ्रू जाने का पावर तुम्हारे पास पहले से ही है तो तुम क्या चाहते हो फिर होता सिंह कुछ ओल्ड मेमरीज को रिगेन करने लगता है जब उस जगह पर पहली बार आया था जब उसका लेवल बस वन था उस बुक से कतरा आ रहा था कोई उसको खाने के लिए एक दाना तक नहीं दे रहा था तब वो एक रेस्टोरेंट के अंदर गया था उस जगह पर उसने एक चीज़ ऑर्डर किया था जो चीज़ उसने पहली बार खाया था कुछ हफ्तों के बाद वो फूड उसको इतना अच्छा लगा था कि वो चाहता है तभी हम देखते हैं वो गॉडेस हमारे स्वयंभु को परेशान करने लगती है तभी हम देखते हैं हमारे उस गॉडेस की उंगली पकड़ लेता है बस उसको तोड़ने ही वाला था और तभी हमें स्वंग बोलता है बहुत ज़्यादा बैडली तरीके से मैं मेरे ओल्ड टाइम को बस सोच ही रहा था तभी हम देखते हैं वो गॉड उसकी उंगली छोड़ देता है तभी हम देखते हैं गॉडेस बोलते हैं मैं तभी हम देखते हैं सेंगभ बोलता है मुझे एक रेस्टोरेंट ओपन करना है मैंने होम टाउन में हम देखते हैं ये सब बातें सुनकर रिकॉर्ड उसके पार्टी में बस सभी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुके थे कि स्ट्रांगेस्ट हीरो एक रेस्टोरेंट ओनर बनना चाहता है तभी हम देखते हैं वो तो हीरो बोलता है मतलब हमारा सियांग बोलता है मैं मेरे होम टाउन पर जाकर इस वर्ल्ड के फूड को उस जगह पर सेल करना चाहता हूँ तभी हम देखते वो बंदा बोलता है तुम खाना सेल करना चाहते हो इस वर्ल्ड से लेकर तो तवयन देखते हमारा सैंगव बोलता है ये सही नहीं होगा कि इस वर्ल्ड के टेस्टी फूड को बस मैं ही खाऊं ये मेरे लिए मीनिंगफुल नहीं है मैं मेरे होम टाउन के लोगों को भी ये खिलाना चाहता हूँ हम देखते हैं, ये सब बातें सुनकर पार्टी में बस बहुत ही शौक हो चुके थे वो लोग बोल रहे होते क्या तुम सीरियस बोल रहे हो तुम्हारा तुम मतलब क्या है तविन तो देखते गॉडेज भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुकी थी हम देखते हमारा स्वयंग बोलता है मैं उस वर्ल्ड से फूड लेकर डायमेंशन के थ्रू मेरे वर्ल्ड पर सेल करूँगा क्या कि उससे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम देखते बातें सुनकर उस गोडेस को काफ़ी ज़्यादा डरने लगने लगता है हमारे सियंग से हम कभी हम देखते हैं हमारे वो बहुत ज़्यादा डेडली स्माइल दे रहा होता है मतलब डेडली लुक दे रहा होता है हम देखते हैं गोडेस उसके पार्टी मेम्बर्स के पीछे छुप के ही होती है अभी हम देखते हैं हमारा मेन कैट बोलता है इतने शानदार फूड को मैं मेरे होम टाउन के लोगों को भी फिर हमें बताया जाता है कि सियोल जो कि एक सिटी है पैसा और शांति का उस जगह पर एक दिन आ जाता है कुछ डायमेंशन तोर के मोस्ट गेट्स डेंजनस जिस जगह पर वो मोस्ट दुनिया को दबा करने लगते हैं तभी उस जगह पर कुछ लोग आ जाते हैं हम देखते हैं इन्हें हंटर्स कहलाया जाता है इन हंटर्स को वर्ल्ड पर डिवाइड कर दिया होता है इनमें से वर्ल्ड के हंड स्ट्रॉन्गेस्ट हंट्स को फर्स्ट ऑर्डर कहलाया जाता है हम दिखाया जाता है ये बंदा जो कि इस जगह पर खड़ा हुआ होता है ये भी एक टॉप हंड्रेड हाईएस्ट लेवल हंटस में से एक है जिसका तो नाम तो मुझे ना ही पता तभी हम देखते हैं वो बंदा उसका नाम होता है बे कैंग योक। तो ये होता है कोड नेम सुपरस्टार। हम देखते ये बंदा बोलता है क्या मैं अभी जाऊँ और इस मोस्स को ख़त्म करके चलाओ तभी हम देखते हैं उसकी सेक्रेटरी बोलती है ये डेंजर जोन ऐसे इस जगह पर ऐसे ही जाना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और तुम ऐसे ही लापरवा तरीके से किसी भी जगह पर नहीं जा सकते तभी हम देखते हुए बंदा बोलता है क्या ही देख रहे हो ये बच्चे मोस्स में ज्यादा हो व्यार ख़त्म करके आ जाता हो तभी हम देखते हैं उसकी सेकटरी उसके सिगरेट लेने की कोशिश करती है बट नहीं आता तभी हम देखते हो बंदा इस जगह से जाने लगता है वो बोलता है मैं लगातार काम कर रहा हूँ मुझे अब से कोई परवाह नहीं मैं कुछ खाने के लिए जा रहा हूँ तभी हम देखते हैं वो स्ट्रीट पर घूमने लगता है तभी वो एक रेस्टोरेंट को चुनता है हम देखते हैं वो रेस्ट बोलता है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा है अगर उसने मुझे अच्छा खाना नहीं खिलाया तो मैं उसके रेस्टोरेंट को डिस्ट्रॉय कर दूँगा अगर उसने अच्छा खाना खिलाया तो मैं हमेशा उससे फ्री में खाना खाऊँगा फर्स्ट ऑर्डर को दिखाकर आ हा, हाँ हाँ कितना अच्छा प्लान है मेरा तभी हम देखते हैं वो उस दुकान के सामने जाने लगता है तभी हम देखते हैं हम उस दुकान क्लोज होता है वो बंदा बोलता है मुझे मुझे नहीं लग रहा कि एक एक साइन मोड़ को रोकने की कोशिश कर रहा है तोड़ देता हूँ मैं उसको मैं हूँ बे कैंग हूँ सुपर स्टार तभी हम देखते हो बंदा गेट तुरकर अंदर आ चुका होता है बोलता है मिस्टर कुछ खाने को दे दो मुझे तभी हम देखते अंदर और कोई नहीं हमारा हीरो मतलब हमारा हीरो जिससे कि गोरेस भी डर रहा डर रही थी वही हीरो अर्थ पर आ चुका होता है उसने रेस्टोरेंट ओपन भी कर दिया होता है हम देखते हो बंदा बोलता है आह कितना आराम चलो मैं मूवी देखकर इंजॉय करता हूँ मेरे इस टाइम को तभी हम देखते हो बेकिंग बंदा दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुका होता है जिससे हम देखते हो बंदा बोलता है कितना ज़्यादा खाली है ये जगह तो हम देखते हैं हमारा मेन कैटर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था वो बोलता है मैंने ये अभी इसको ऑफिशियली खोला नहीं है मेरे रेस्टोरेंट को तो बंदा बोलता है मुझे इसका कोई केयर नहीं बोलता है मुझे कुछ खाने को दो जो की अच्छा जो कि अच्छा हो तभी हम देखते हैं मेन कैटर बोलता है इसने तो पहले दरवाज़ा तोड़ा उसके बाद मेरे मूवी टाइम को भी बर्बाद कर दिया अभी खाना मांग रहा है इतने रिडली तरीके से मैं मै सिंह वो साला तेरे को तो तभी हम देखते हो वो उस कस्टमर को अच्छे से गौर से देखने लगता है हम देखते हो बंदा बोलता है तुम क्या देख रहे हो मेरी तरफ मैं क्या कही जो करूँ जो ऐसे देख रहे हो बोलते हम मैंगट बोलते कोई बात नहीं हम देखते हैं मैंगटा सोच रहा होता तो अपने मन पर कितने ज़्यादा फ्री आर्म्स इतने कमज़ोर हाथ इतने कमज़ोर पैर जो कि एक एक से ही तोड़ जाएगा एक चिड़िया के जैसे बाल कितना ज़्यादा पोर है मैं उसे खाना ज़रूर दूंगा मुझे इसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कुछ किला का तभी हम देखते हो बंदा काफ़ी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है वो बोलता है तुम्हें क्या पता नहीं कि मैं फर्स्ट ऑर्डर हूँ मेरे कोट को देखकर समझ में नहीं आ रहा तभी हम देखते हैं मेन कैटर खाना बनाने लगता है हम देखते हैं वो सोचता है एक मीट बनाने का हम देखते हो एक मीट के फ्लेवर को चुन लेता है उसके बाद वो मीट को लेकर समझने से सम ले बोलने लगता है ये है एक रेड ड्रैगन का मीट जिसको कि मुझे मारने में ज़्यादा मेहनत तो नहीं लगा था बट ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसके विंग्स का जो मीट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हम देखते हो वो इस मीट को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रोस्ट करने लगता है तभी हम देखते हो उसके अंदर एक फ्रूट जूस देखकर आह कितना तो ज़्यादा टेस्टी लग रहा है हम देखते हो उसके अंदर कुछ सॉसेस टाइप के कुछ देता है उसके बाद बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से उस मीट को कुक करने लगता है वो अपने मन में बोल रहा होता है कितना ज़्यादा अच्छा है तभी हम देखते हो मीट चिल्लाने लगता है तभी तो हम देखते हैं वो बंदा बोलता है क्या है इस मीट ने भी चिल्लाया मुझे ऐसा लगा इस मीट के अंदर से मुझे कोई आवाज़ आया तभी हम देखते हैं मैन कैटा बोलता है ये, ये पोड़ा वाली कुछ नहीं था उन्हें कुछ गलत सुना होगा तभी हम देखते हैं वो उस मीट को उसको सर्व कर देता है तभी देखते वो खाना बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस दिख रहा होता था दिख रहा होता है तभी हम देखते हैं बंदा बोलता है हाँ मैं एडमिट करता हूँ ये बंदा सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है इसका कुकिंग स्किल तो नेक्स्ट लेवल पर है तभी हम देखते हुए उस खाने को खाने ही जा रहा होता है तभी देखते हो बोलते कितना ज़्यादा मिसिंग है तभी हम देखते हुए उस खाने को कट करने जाता है बट वो कट कर ही नहीं पा रहा होता है वो बहुत ही कोशिश कर रहा होता है बट कट नहीं कर पा रहा होता है तभी हम देखते वो बंदा बोलता है क्या इस मीट को इस चाकू से काटा भी जा सकता है तभी हम देखते हैं मेन कैटा बोलता है मैं तुम्हारे लिए इस चीज़ को काट देता हूँ तभी हम देखते हैं मेन कैटा बोलने लगता है ये है किल ये था डे ड्रैगन क्लैन का सबसे ज़्यादा एल्ड ड्रैगन और डीमन किंग का राइट हैंड इसको मारने में मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी तो नहीं हुई बट ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है तब तो हम देखते हैं मिनकेट बहुत ही ज़्यादा आसानी से इसको कट देते तभी बंदा बोलता है इसको इससे काटा नहीं जा सकता तभी हम देखते हैं हम का करते दे देखते हैं बोला तो तुमने काट भी दिया इससे तभी मिनकेटा बोलता है तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे वो बोलते हैं हाँ हाँ मैं इसको ट्राई करता हूँ पहले जब वो उसको ट्राई कर रहा होता है तभी उसको ऐसा लग रहा होता है कि उसके अंदर कुछ ज्वाला मुखी टाइप का तैयार हो रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि ये खाना सबसे ज़्यादा उसको ऐसा लग रहा होता है कि ये सबसे ज़्यादा बैड खाना है जो कि उसने आज तक खाना है वह मीन कहटा बोलते हैं मुझे पता है ये खाना सबसे ज़्यादा बुरा है ये सबसे ज़्यादा हॉररिक खाना है तो तभी देखते हो बंदा ये सब खाकर उसके अंदर ज्वालामुखी फटने लगता है वो बेहोश हो जाता है तभी देखते हैं मी कहटा उसको लेकर अपने रूम पर आ जाता है तो इसके बाद हमें एक घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है मैं कटर सिकर बैठा हुआ था तभी देखते हुए बंदा बोलता है तुमने मुझे कैसे डिस्क खिलाया इसकी वजह बे, में बेहोश हो गया था तभी देखते हो मैं कैटर को किक करने आता है तभी देखते हैं मैं कैटर उसके अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक लेता है वो बोलता है तुम बहुत ही ज़्यादा विकलिंग हो तभी देखते हैं मीन कटर बोलता है इस खाने से तुम्हारा वाइटलिटी फायर रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ ड्रैगन एबिलिटी तुम्हारा सब कुछ भर गया है तो हम देखते हैं वो बंदा बोलता है क्या विकलिंग क्या तुम मे मेरे घर में बात कर रहे हो फिर हम वेंकट बोलते हैं हाँ मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ और ये कौन है इस जगह पर तब तो हम देखते हो वो बंदा बोलता है तुम सोचते क्या हो मेरे बारे में मैं वीक विक हूँ क्या मैं फर्स्ट ऑर्डर से हूँ मेरा नाम है बिग कैंग ये तो बोलकर वेंकट की तरफ अटैक करने जाता है बट वो एक फ्लिंच करता है फ्लिंच और बंदे बंदे का होश उड़ जाता है वो बंदा बोलता है साला तू कौन है तभी हम देखते हैं मैंकटा बोलता है तुम जैसे वीक बंदे का तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ मेरी तरफ अटैक करने की देखते हैं मैंकटा बोलता है ये बंदा तो आपसे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट करता है चलो देख ही लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर क्या है हम देखते हैं मैंकटा सर्च करता है फर्स्ट ऑर्डर क्या हो फिर हमें बोला जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर वर्ल्ड के स्ट्रॉगेस्ट टेन हंड्रेड हंट्स हं में से जो कि होते हैं उनको फर्स्ट ऑर्डर कहलाया जाता है मैं वेंकटा अपने मन में, में सोच रहा होता है कि आप, तो आप हंड्रेड स्ट्रॉगेस्ट पीपल ये बंदा तो इतना कमजोर कि मेरे एक फ्रेंड से ही मर गया मर नहीं गया बेहोश हो गया तो क्या वर्ल्ड के सबसे स्ट्रोंगेस्ट हंड्रेड में से ये क्या नॉनसेंस है ये तो बस अर्थ दबा होने वाला है मुझे नहीं पता कि इतने से कमजोर बंदे वर्ल्ड के हंड्रेड स्ट्रॉन्गेस्ट में से आते हैं तभी हम देखते हैं मेन कैटर बोलता है मुझे अर्थ को दबा होने से बचाना पड़ेगा मुझे इस अर्थ को बचाने के लिए इन हंटर्स को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा जाता है कि इस वर्ल्ड पर और गेट डेंगे होने के बाद एक न्यू क्लास सामने आया जिनको की हंटर्स कहलाया जाता था और इन वर्ल्ड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंड्रेड हंटर्स को ही फर्स्ट ऑर्डर कहलाया जाता था फिर तो हम देखते हैं ये बंदा जो कि अभी मेनकेटर के सामने झुक रहा होता है ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर है तभी तो हम मेनकेटर बोलता है तो मेरे सामने अभी झुक रहे हो इसलिए तो कि मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हो फिर हम देखते वो बंदा बोलता है नहीं नहीं आप तो मेरे बॉस हो तो हम देखते हो बंदा बोलता है तुम तुम क्या और भी रेस्टोरेंट में जाकर ऐसा ही बिहेव करते हो तो हम देखते हो तो हमारा ये बंदा सोच रहा होता है अपने मन में ये बंदा जरूर कोई फॉरेनर होगा अगर मैंने इसके सामने कोई मिस्टेक किया तो ये मुझको आज यहीं पर मार देगा मुझे कोई भी मिस्टेक नहीं करना है तुम में बोलता है मैं तुम्हें स्ट्रांग बनाऊंगा और एक नए पोन में भी चेंज करूंगा तुम्हारा, दा, तुम्हारा दा काम है इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने का तुम देखते हैं मैंटर उसको लेक्चर देने लगता है फिर हम देखते हो वो देख बोलता है सीरियसली बहुत ज्यादा कि तुम मेरे बातों को सुनते तो रहे होते बंदा बोलता है हाँ टीचर आप मैं आपके आपके पे औरलाने लगता, लगता, खुन लगता है तभी हम देखते हैं मेन मैनकेटर उसको फिर से लेसन देने लगता है हम देखते हैं उस सब बात सुनकर उसके कान से खून खून निकलने लगता है तभी हम देखते हैं मेन मैंगटर बोलता है मेन कैटर से पूछता है क्या आप, आप पहले क्या थे क्या मैं जान सकता हूँ फिर हम देखते हैं मैं कैटर बोलता है मैं पहले एक मिडिल स्कूल का टीचर था तभी हम देखते हैं मेन मैंकैटर बोलता है तो पहले तो मैं सिखाना पड़ेगा क्या कि फूड का वैल्यू कैसे किया जाता है तभी हम देखते हुए बंदा बोलता है क्या वो कोई खाना था हाँ वो तो केमिकल वेपन लग रहा होता है तो हम देखते हो मिनकटर बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी ने अपना टाइम वेस्ट करके खाना बनाया उसको तुम उसको तुम बेइज्जत कर रहे हो तभी हम देखते हम देखते वो खाना वो हमारा मेन मिनका्टर उसको पहले फिर से दे देता है फिर हम देखते हो उसको बोला जाता है कि तुम ये खाना पूरा खा लो वरना तुम मानने वाले हो आज तभी हम देखते हो बंदा बोलता है बच्चों की तरह कि मुझे ये खाना नहीं खाना है प्लीज़ मुझे छोड़ दो तो हम देखते हैं मेनकट उसको जोर से खाना खिलाने लगता है तभी तो हम देखते वो खाना खाते ही वो बंदा फिर से बेहोश हो जाता है तो हम देखते मेनक उसके चारते हुए उसके स्टोर रूम के अंदर ले जाता है और बहुत ही ज़्यादा डेड दे स्माइल दे रहा होता है तभी तो हम देखते हैं उसके बाहर का सीन जहाँ पर एक वही सेक्रेटरी बोल रही होती है मैंने बेग कहेंगे उसे कितने दिनों से बात नहीं किया वो मेरे कॉल वेरे से नहीं कर रहा तो फिर हम देखते हैं इस बंदे को तो काम दिया जाता है बेग कहेंगे उनको ढूंढने का फिर हम देखते हैं वो लड़की बोल रही होती है वो सड़क कितना ज़्यादा परेशान कर रहा होता है शहर में कितना ज़्यादा काम है हर बॉस मोटर बॉस मोस्टर भी अपेयर होने वाला है और इस टाइम पर उ, वो कहाँ पर गया मुझे कुछ भी पता नहीं तभी हम देखते वो बंदा बोलता है ये कोई लड़की का चक्कर होगा और फिर दारू दारू पिक्र गई पर पड़ा होगा शायद फिर हम देखते वो लड़की बोलती है ऐसा होता तो अच्छा ही होता हम उससे कम से कम ढूंढ टूर रहते हैं तभी हम देखते वो बंदा बोलता है ठीक है मैं उस ट्रैवल मेकर को ढूंढ कर लाता हूँ तभी हम देखते हो बंदा रास्ते से जाने लगता है बोलता है मैं कितना ज़्यादा अनलकी हूँ मुझे उस कुत्ते को ढूंढने की ज़रूरत है तभी तो देखते वो बंदा अपनी कोई स्किल को यूज़ करने लगता है उसके बाद से वो हमारे बेग कहंगे को डिटेक्ट करने लगता है तभी तो हम देखते हम देखते वो बंदा हमारे मेन कैटे के रेस्टोरेंट के सामने आ हाँ चुका होता है वो बोलता है मुझे तो उस कहना जिस रेस्टोरेंट के अंदर से फील हो रहा होता है बट वो इसे के बार करके आ रहा होता है तभी हम देखते वो कुछ खुफिया सा चाबी टाइप का कुछ निकालता है और उससे दरवाज़ा खोल लेता है हम देखते हो इधर उधर देख रहा होता है हम देखते हो बोल रहा होता है वो ट्रैवलिंग का जरूर बेस्टमेंट में होगा तभी हम देखते हो तो पीछे से कोई आ जाता है फिर हम देखते हो वो बंदा बोलता है क्या कि उसके जगह पर बिना परमिशन के घुसने के कोई सही बात है तभी हम देखते हो बंदा काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुका था फिर हम देखते हैं हम मैं कैटर बोलते हैं मैं जस्ट जो भी करूँगा मैं सेल्फ डिफेंस में करूँगा उसके बाद हम देखते हो बेक कैंक कैंग बेस्टमेंट के अंदर हम मैं कैटर का काम कर रहा होता है तभी हम देखते हो बहुत ही ज़्यादा थक चुका होता है अभी हम देखते उसे बंदे को जो कि हमारे बे कहंगी को ढूंढने आया था फिर हम देखते उसको देखकर कर हमारे बेक कैंग काफी ज्यादा शौक हो चुका था वो बोलते हैं भाई आप इस जगह पर आ चुके हो आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया तुम इस जगह पर आ गए अभी हम देखते हो बंदा बोलता है दादा उछलो मत मैं में बेक रह गया हूँ अभी हम देखते बे कहंग का मुंह लटक जाता है होता है पहला होता है फर्स्ट ऑर्डर दूसरा होता है सेकेंड ऑर्डर तो सेकेंड ऑर्डर बोलता है भाई मैं जो क्यों ही कर रहा हूँ तुम्हारे लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है तुमने ऐसे मोस्टर को क्यों पिसअप किया तभी देखते हो बंदा बोलता है मुझे क्या पता था इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलेगा अब मैंने उसको पहली बार देखा था उतना ज्यादा मुझे स्ट्रॉग नहीं देखा था तभी देखते हुए बंदा उससे पूछता है तुमने तो उसके पावर को तेज किया है मुझे बताओ कितना ज्यादा पावरफुल है तभी देखते हुए बोलता है ये बंदा करीबन फर्स्ट के रैंक जितना पावरफुल है तभी देखते हुए वो बोलता है क्या ये बंदा सच में इतना ज़्यादा पावरफुल है तभी हाँ वो बोलता है हाँ इसका जो एबिलिटी है ये मैं पर नहीं पा रहा मैंने बस इसके माना पावर कोश्चिंस किया है तभी हम देखते हो वो बंदा बोलते तुमने ऐसे मोस्टर को क्यों पिसअप किया ये बोलकर वो उसको मारना चाहता है बस उससे कुछ ही नहीं होता उल्टा उसके हाथों पारी लग जाता है बोलता है क्या करना चाहते हो तुम क्या मुझे मारना चाहते हो तभी हम देखते हो बंदा बोलता है हाँ ये ठीक ही है क्योंकि एक बॉस मोस्टर जल्दी अपेयर होने वाला है और इस बंदे के प्रजेंस से वो बॉस मोस्टर से हमें कोई ख़तरा नहीं होगा शायद रविम देखते हुए बोलता है तुम एक हंटर हो तुम्हें हंटर की ज़िम्मेदारी को निभाना चाहिए देखते पेट से आवाज़ आता है जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा इन्वाहस हो जाता है वो बोलता है हाँ हाँ मैं मेरे काम को जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ चलो देखते हुए बोलता है चलो ओनर के पास जाकर उनसे माफ़ी मांग लेते हैं देखते हुए है सच में तुम उस मोस्टर के पास जाने वाले हो तब देखते हो हमारे मैनकेटर के पास दोनों आ चुके होते हैं हमारा मैनकेटर बोलता है हाँ ठीक है कोई बात नहीं मैंने तुम दोनों को माफ़ किया और चलो साफ मिल चाहिए तुम दोनों को मैं कुछ खाना खिला देता हूँ ऐसे में खाली हाथ तुम्हें तो ना जाने नहीं दे सकता तभी हम देखते वो बोलते तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला हम वो बोलते मैंने गूगल कर लिया था तभी हम देखते हैं मैंने कैटा खाना बनाने लगता है उन दोनों के लिए वो उन दोनों से पूछता है तुम दोनों को खाने में क्या चाहिए तभी हम लोग देखते हैं अभी वो यूल हेयर वाला बंदा बोलता है हाँ इसको तुम खाना बोलते हो मुझे कुछ अच्छा खाने का चाहिए जो टेस्ट अच्छा करता है तभी हम देखते हैं हाँ ना मेरा हाँ, मीन जी बोलता है कौन ही कौन ही पागल होगा जो हॉरिक खाना चुने का तभी हमारा मीन जी बोलता है कि हॉररिक खाना क्या है मुझे तो दुरुस्त एक बार ट्राई करना चाहिए वो बोलता है मुझे एक हॉरिक खाना चूज करना चाहिए देखते हैं वो बोलते हैं मुझे को, कोई हॉरिक खाना चाहिए बोलते तो ओ ओके कोई बात नहीं हम देखते हैं हमारे इनका टेस्टी खाना लगता है जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी टिक रहा होता है सच में आह मुँह में पानी आ गया भाई देख तभी देखते हैं मीनज बोलता तो है हाँ न बोलते तुम क्या पागल हो ये खाना कौन खाता है पागल का ही का देखो रहा खाना तेरा पेट खराब हो जाएगा हम हैं देखते हैं। उसको खाना उसका खाना देखकर उसको इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और हमारे बेचारे मिन्जय को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है तो हम देखते हैं उसका टेस्टी खाना बन चुका होता है तो यहाँ मेन कैटर बोलता है हाँ किसके भाई खाना था चलो इसके लिए कुछ मेडिसिनल फूड बना देते हैं तो तभी देखते हैं कुछ मेडिसिनल फूड बनाने लगता है उसको तो देखकर ये बंद दे काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था वो बोलता है बेचारा मैं बेचारा मेरा दोस्त तो कुछ टेस्ट सिखाएगा चल 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 मुझे तो टेस्टी खाना खाना है तो ये देखते वो हमारा मिन काटिन टेस्टी खाना बना चुका होता है तो इसको देख ये बंदा दे काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका था वो एक बाइट लेता है और उसको ऐसा लग रहा था कि वो जन्नत में पहुँच चुका है तभी वो बोलता है इतना ज़्यादा टेस्टी खाना कैसे हो सकता है जो इतना ज़्यादा बोरिंग खाना इतना ज़्यादा बुरा खाना बना था वही बंदा कैसे इतना ज़्यादा टेस्टी खाना बना सकता है तभी देखते हैं मेंगटा बोलता है चलो ये मेरा हॉबी है मैं कुछ भी बना सकता हूँ तभी हम देखते हैं बोलते हैं सॉस तो उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी है तभी देखते हैं हमारा मीनजे के लिए खाना बनाने जाता है वो कुछ मेडिसिनल फूड बना रहा था तभी हमारा मिंजे बोलता है मुझे कुछ अच्छा ही मिलेगा तभी हम मैंकटा ने उसको खाना सर्व कर दिया होता है हम देखते हैं मिंजे को ये खाना कुछ मेडिसिनल हर्ब कोई जैसा लग रहा होता है फिर हम देखते हैं मिंजे ये बोलता है क्या बोला तुमने इस खाने की क्या बोला जी है ये खाना उस जगह से तुम्हें इतना टेस्टी रहा है कितना ज़्यादा कितना ज़्यादा बुरा खाना दिख रहा है मुझे तभी तो देखते हो बोलता है इतना मत बनाओ ये खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तुम मेरे को खाने तो खा कर तो देखा तभी वो यूल हेयर बंदा बोलता है क्या तुमने इसके अंदर यूरेनियम मिसा है यूरेनियम डाला है या, या फिर कोई एनर्जी ड्रिंक या कोई कलर तो फिर इसका कलर ग्रीन कैसे हुआ तभी तो बोलता है इसका कलर ये डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा तुम इसको खा के देखो तभी हम देखते हो मिन्जयी बहुत ही सोच समझ कर एक प्लेट को उठा लेता है वो बोलता है उसके अंदर मुझे मैजिक पावर का फ्लो दिख रहा है तो ये खाना बुरा नहीं हो सकता तब हम देखते हुए उसको ऐसा लग रहा होता है किसी तरह का हीलिंग पोशन है फिर हम देखते हुए बोलता है एक हीलिंग पोशन है तो इसने इतना जल्दी कैसे प्रिपेयर किया तभी देखते हुए बोलता है ये तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और फास्ट है इस हीलिंग पोशन बनाने में पर बोलता है एक्सपीरियंस से भी क्या मेकअप से तभी देखते हैं मेकअ को चुप करने का इशारा कर देता है तभी देखते हुए वो बोलता है अगर मुझे हील होना है तो मुझे इसका खाना खाना ही चाहिए दे दे तो देखते हो एक बाइट लेता है उसको ऐसा लग रहा होता है कि उसका पूरा बॉडी हील हो रहा होता है वो बोलते हैं मैं हील हो चुका चुकाऊँ पर इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बुरा है तभी देखते दे हो दे दे तो बोलते हैं हो चुका चुकाऊँ मुझे अब मेरा बॉडी हील करने के लिए उसको पूरे खाने को खाना ही पड़ेगा हम देखते हो और चुपचाप उस पूरे खाने को खाने लगता है और पासी में उसका दोस्त डिलीश खाना खाने लगता है वो बोलता है वो देखते हैं तीस मिनट के बाद और बिल्कुल सुन पर चुका होता है उसके शरीर से लगता है आत्मा निकल चुका होता है तभी देखते हैं हमारा ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका था क्योंकि इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना मिला था खाने के लिए वो बोलता है तुम्हारा खाना कैसा तभी देखते उसको दोस्त को देख कर वो बोलता है दोस्त तुम्हें कैसे क्या हुआ तभी देखते उसका दोस्त बोलता है मेरे सारे मेरा इंजर्ट किडनी वो पूरी तरीके से हील हो चुका है आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया मिस्टर तब देखते वो बोलता है तभी देखते हुए बंदा बोलता है क्या चल रहा है इस जगह इस जगह पर क्या चल रहा है कुछ कोई मुझे बताएगा तो वो बोलता है तभी हम देखते हैं ये मुंजा ही बोलता है मैं आपका काइंडनेस कभी का भी आपको बैक नहीं कर सकता आपको बहुत अच्छा शुक्रिया मैं हम देखता है मेन बोलता है कोई बात नहीं ये तो मेरा था महफर्स हम देखते सर बात देख कर ये वो बोलता है कि वो ये लहर वाला बंदा बोलता है ये सब वाइफ्स क्या है जो मुझे मिल रहा है इस जगह पर तभी हम देखते उसको कोई समझ में नहीं आ रहा था वो बोलते फक चलो मेरे इससे बात बातों को चलो मुझे एक और खाना दो एक और बाउल दो तो देखते हो उसने काफ़ी ज़्यादा खा चुका होता है पर लगातार टेन बाउल्स खा चुके होते हैं उस खाने का फिर तो देखते हैं वो बोलता है कल बॉस मोस्टर का अपेरेंस होने वाला है तो क्या आप हमारा हेल्प करोगे तभी तो हम देखते हो बोलता है हाँ मैं नहीं कर सकता तभी तो देखते हो वो हमारा ये बंदा बोलता है हाँ तुम ब्रदर को ऐसे पूछ नहीं सकते ब्रदर एक रिटर्न नहीं है उनके पास वो वो इसे झमले में नहीं पड़ना चाहते वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और इस छोटे मोटे फाइट में ब्रदर को तुम इसे ब्रदर को तुम इन मत करो इसका कोई रीज़न नहीं कि वो हमारी मदद करे वो अपना लाइफ बस गुजारना चाहते हो शांति में तो हम हम लोग उसे उनसे परेशानी नहीं कर सकते तब तो इन देखते हमारा मेन की से बात तो उनका बहुत ही कन्फ्यूज हो चुका था वो बोलता है अगर वो इसमें पैर रखेंगे तो उस उनका पावर सब के सामने आ जाएगा जो वो नहीं चाहते तो फिर हम देखते हैं हमारा मेन ये बंदा पावर से बहुत ही ज़्यादा और मेन कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज़्यादा अच्छा बताने लगता है तो उनका मेन कैरेक्टर भी एक बार के लिए ताली मारने लगता है तो देखते हैं हमारा मीन बोलता है यार तुम बास्टर्ड मुझे पता है तुम क्या बोलना चाहते हो अगर वो रेड के अंदर आएगा तो सबको पता चल कर जाएगा उसका असली पावर तो इसलिए तुम बोल रहे होते है ना तो तुम चाहते हो कि तुम मुझे पता है तुम नहीं चाहते कि फ़र्स्ट ऑर्डर के रैंकिंग चेंज हो तुम हंड्रेड वाले तुम एक सौ एक पर अच्छा हो गए इसलिए तुम नहीं चाहते कि वो रैंकिंग पर वो उस रेट पर पार्टी ले तभी हम देखते है, बोलता हैं हाँ हाँ तुमने मुझे पकड़ लिया तभी हम देखते बोलता तभी हम देखते मुझे बोलता है अब देखा इस बंदे का असली ड्रूप वो बोलता है हाँ मैंने देख रहा हूँ इस बंदे का असली ड्रुप तभी वो बोलता है इस बंदे ने कुछ ख़राब भी नहीं बोला है मैं झमले में नहीं पद चाहता क्योंकि मैंने देखा है दो किंगडम्स को हीरोज़ के लिए लड़ने को तो तब देखते हैं डिस्ट्रिक्शन ऐसे बातें सुनकर वो दोनों बोलते हैं कोई बात नहीं सर मैं आपकी बातों को समझ गया तो मुझे माफ़ कर देना अब मैं चलता हूँ हम तो देखते हो दोनों जाने लगते हैं और हम देखते हो कैटे हेरे हीरो बंदे से बोलता है ऐह फिर ना इस जगह पर बोलते मैं भी नहीं आने वाला तब हम देखते हो दोनों जाने लगते है इस जगह से बोलता है तुम पी बाड तीन प्लेसड फूड फूड तभी हम देखते हो बोलते हैं तुम पेगी बास्टेड फूड फ्री होने पर तुमने तीन प्लेट्स खा लिया तुम क्या बास्टेड हो क्या फ्री में खाना मिलेगा तो इतना ज़्यादा खाओगे तभी हम देखते हैं तुम वो बोलते हैं तुम शटअप करो तुम चुप कर जाओ तुमने भी तो ऊपर जी खा है क्या स्ट्रिंक खाना खाया तुमने फिर बात कर रहे हो वो बोलते स्ट्रिंक की खाना तुम एक दिन जान पाओगे वो खाना क्या था तुम वो बोलता है तुम एक दिन रियलाइज़ ज़रूर करोगे क्या खाना था वो तभी हम देखते हुए बोलते हैं आज हमारा लग बहुत था अच्छा था कि हम ऐसे कुछ मास्टर से मिले हमें हाँ फिर दिखा था नेक्स्ट दिन उस पोस्ट मास्टर के रेट का जिससे कि पूरा पोस्ट मास्टर बहुत ही ज़्यादा खूंखार दिख रहा होता है भाई भाई कितना ज़्यादा पावरफुल है तो ये देखते हो दूर से ही हमारा मिनचे ही और यू लोहर वाला बंदा फर्स्ट ऑर्डर का ऑल द हाँ चलो कैंक हमें इस मास्टर को मारना पड़ेगा और तो बोलता है हाँ चलो मारते हैं इस मास्टर को तो ये देखते हैं वो दोनों बोलते हैं चलो करते हैं वो बोलता है हाँ चलो हम देखते दोनों इस जगह से कूद जाते हैं और उस मास्टर को मारने चले जाते हैं तब तो ये हम देखा जाता है नाइट का सीन जब पर न्यूज़ चैनल वाले बोल रहे होते हैं हमारे हंटर जो कि हमारे इस जगह पर एक रंग के डेंजनों पर नहीं होता जिसको कि हमारे सुपर हीरो बेग कैंग ने ही और सेकेंड ऑर्डर के मीन ओगजे के सपोर्ट से उन्होंने अच्छे से एलिमिनेट कर दिया है तभी तो देखते मेन कैटर बोलता है जरूर से हमारा खा मेरा खाना काम किया होगा तभी हम देखते वो न्यूज़ चैनल बारे बोलते सुपर स्टार ब्रेक ने इंटरव्यू के लिए रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि उन्होंने उनके पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है तब तो हम देखते मेन कैटर बोलता है हाँ इन दोनों ने अच्छा किया क्या रिलीफ है चलो मैं आराम से इस वर्ल्ड को हंट के हाथों में दे सकता हूँ और मैं आराम कर सकता हूँ तब देखते हुए वो बोलता चलो कुछ नया किया जाए ये बोल के मेन कैटर बाहर देखने लगता है तभी वो बोलता है ये कौन देखते कैट जैसा कुछ आ चुका होता है वो कैट बोलती है हेलो सर आपके लिए पार्सल आ चुका है फिर हमें देखा जाता है ये क्यूट से देखिए मेला जो कि बिल्ली होता है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इसका नाम होता है हॉल और ये हमारे पहले वाले वॉल से आया जिससे कि अपना कैटर रहता था वो बोलता है हेलो मेरा नाम है हॉल को मैं कोई नॉर्मल नहीं हूँ मेरे पास सेंसिंग एबिलिटीज़ एक्ट्रॉनिक बावर है मैं आसानी से तो इस क्लास मॉस्टर को हरा सकता हूँ पहले हमें बोला जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर एक की एक ओल्डेस चाहिए होता है हमेशा से ये वर्कलिक होते है, ये एक हंटर एक वारियर के सारे काम करते हैं उनके कपड़े सारे काम उनके उनके इतने काम करने देने की वजह से एक वारियर काफ़ी ज़्यादा लेजी हो जाता है और वो हंटर वॉरियर के काम को क्विट कर देता है तो इस वजह से बहुत समय पर एक ओल्ड रेज को लेकर दो लोग झगड़ा भी कर रहे होते हैं जिसको दिख रहा है मेन टेटर को भी एक ओल्ड रिज चाहिए होता है वो गॉड ट्रिप टिक कहता है कि उसको एक ओल्ड देते हैं बट वो, वो गॉड उसको कुछ भी नहीं देते वो उसके बातों को सुनते ही नहीं थे फिर तो उन उनके उसके बातों को सुनकर मेन मेनकेटर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है फिर वो बोलता है बट तुम्हें रैना टोने के पास कि है मेरे पास वो बोलते हैं वो बोलते हैं तुम मेरे पास आना चाहते थे हमेशा से फिर वो बोलता है हाँ मैं आपके पास आना चाहता था हमेशा से मैंने आपके स्टोरीज को सुना है फिर मेन लाने लगता है है वो बोलता है, मैं गॉड को मार कर आपके पास आ चुका हूँ बात सुनकर हमारा माइंड काफ़ी तो शौक हो चुका था फिर हम देखते वो बोलता है मैं जब मिया गोड के पास था तब मिया ने मैं जब मिया गोड से बोला आपके पास आने के बाद तब मिया ने मुझे बोला कि तुम मुझसे के पास नहीं जा सकते क्योंकि वो बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है मैंने उसे उनसे बहुत ही ज़्यादा विनती की बट उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी तभी हम देखते हो मियोकर बोलता है वो बंदा बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है मुझे कभी नहीं जा सकते हो हम देखते हो बोलता है नहीं वो कूल है इसलिए तो वो खतरनाक है तभी हम देखते हो मियाकर वो उसकी बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुका था वो बोलता है तुम तो ऐसे कहते चले जाओ मैं तुमको अभी मियो मियो क्लैन से मियो क्लैन से तुम्हें हटा देता हूँ तभी हम देखते हो तुम मैं जंगल में बैठा हुआ था तभी हम देखते हो बिल्ली जंगल में बैठे बैठी हुई थी तभी उसको एक आइडिया आता है कि उसने अब अपने आप को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया था उसके बाद अपना वॉरियर चुनना है तो वो आपका वो तो मैं आपको वॉरियर चुनने के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा तभी तो हम देखते हुए मेहनत करने लगी वो पंच मारने लगी वो वॉरियर प्लस वो उसने बहुत ही ज़्यादा स्कॉलर भी बहुत ही ज़्यादा बुक्स भी पढ़ी जिसके मध मतलब से एक स्कॉलर बन गई साथ ही साथ तो घर का काम भी सीख गई फिर हम देखते मेन कैटर बोलता है तो तुमने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग किया तभी तो हम देखते हाँ वो वो बोलती हैं हाँ मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग किया और मीओ गॉट की नॉक कर दिया और मैं आपके पास आ चुका हूँ तभी देखता मेन बोलता बोलते सॉरी मैं तुमको नहीं रखता था क्योंकि तो अभी मैं कोई वॉरियर नहीं हूँ अभी मैं एक रेस्टोरेंट ओनर ओनर हूँ तभी तो देखते हाँ वह मैन बोलता है तो मैं अभी रिटायर हो चुका हूँ तो प्लीज़ तुम एक जगह से चले जाओ तभी देखते मेन कैटर बोलते ठीक है तुम इतना जब बोल रहे हो तुम्हें मेरा पार्टनर तो नहीं रख सकता बट तुम मेरे यहाँ पर एम्प्लॉय रह सकते हो तभी देखते हैं सब सुनकर कैट काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी थी वो बोलते हाँ सर थैंक यू थैंक यू हम देखते हो ओ कैट बोलती है आप जो भी बोलोगे आज से मैं आपका ही काम करूँगी तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैटा बोलता है तो तुम्हें कुछ निक देना चाहिए तभी हम देखते हो उसका नाम ने भी रख देता है हम नेबी बाहर बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है तभी हम देखते दो आदमी को जो कि इस रेस्टोरेंट के ऊपर नजर रखे हुए थे वो बोलते ही हमारा हमारा कंपीटीटर इस जगह पर आ चुका है चलो इस रेस्टोरेंट को आज डिस्ट्रॉय कर देते हैं आज हमारे एनिमी को हम कृषि कर देंगे हम देखते हैं बंदा होता है कॉफी मेकर जो कि होता है पार्क डिसोल रेस्टोरेंट का तब हम देखते हैं बंदा भी होता है कॉफी मेकर साथ ही साथ एक रेस्टोरेंट ओनर भी और बैंक टेस्टन का ओनर तभी हम देखते दोनों बोलते हैं इनकी इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे कॉम्पिटेटर भी बनने का तभी हम देखते वो बोलते हैं चलो आज हम इसको क्रश कर देंगे तभी देखते दोस्तों दुकान के सामने आ चुके होते हैं जब वो देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर के की बेकैंगू और सेकेंड ऑर्डर के मिंग ओगचे इक्का पुलदस्त जिसके पर लगा होते हैं उनकी आँखें ही कर निकल जाती है वो बोलते हैं शालिका इतना ऊँचा मतलब इतना हायर कैसे हो सकता है उसने इतने जल्दी इतने बड़े लोगों से कनेक्शन बना लिया फिर हम देखते तो बोलते हैं सलाह अब हम इसका क्या भी करेंगे चलो इस वजह से तब तो देखते तो दोनों अब अपने यहाँ दिख रखते अपनी तरफ तो हम देखते हो बंदा बोलता है हैं इसे पंखा लेना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा चलो हम रिट्रीट कर लेते हैं फिर हम देखते तो दोनों भागने लगते हैं तो तब पीछे से हमारा मियाँ हुआ था है और बोलते हैं हेलो सर क्या आप कस्टमर से तीहू अंदर खिसट के हुए तो दोनों कैट के मतलब रेस्टोरेंट के अंदर आ चुके होते हैं तभी हम देखते हो वो दोनों बोलने लगते हैं कि ये कैट का कोई मोस्टर है हाँ ये कैट तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक दिख रहा है मुझे हमें इस जगह से भाग जाना चाहिए नहीं तो कैट उसके लिए उनके लिए पानी लेकर आ जाते हैं तभी हम देखते हो बंदा उस जगह पर सफाई का बहाना देकर इस जगह बदनाम करने की कोशिश करता है बट जब वो अपना उंगली उस जगह पर लड़कता है उसको इतना क्लियर मिलता है कि कचरे का एक बूंद तक उसको नहीं मिलता देखते तो दो, दो, दोनों वो दोनों आसपास देखने लगते हैं कि आस इतना ज़्यादा साफ होता है कि हम क्या ही बोले तभी देखते सब देख कर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके होते हैं हम कैसे उनके साथ कॉम्पीट भी करेंगे तो हम देखते हैं हर बिल्ली उनके लिए पानी लेकर आ जाती है तभी वो उसका नाम नहीं बोलती है तो हम देखते हैं वो दोनों उसको चेक करने लगते हैं कि ये ये क्या है ये क्या चीज़ है तभी हम देखते हैं और छोटी सी बिल्ली बोलती है मैं एक बिल्ली हूँ मतलब एक मैं एल रियस हूँ तभी देखते हो बंदा बोलते हैं सारा मुझे भी ऐसा एक बिल्ली चाहिए सला इतना इतना अच्छा कैट मुझे भी चाहिए एक जो सारा काम करते मेरा तभी देखते हो दोनों बोल देखते हैं प्लीज़ा बोलते ही कि आप प्लीज़ अपना ऑर्डर दीजिए तभी देखते हो बंदा बोलता है कुछ ऐसा रखो जिससे हम इसका बदनाम कर पाए तभी देखते हैं वो दोनों कोशिश करते हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ऑर्डर करने की वो दोनों केक देखते हैं मेन कैटर चक्के पर आ चुका होता है वो बोलता है स्पेशल डिश तो चलिए बनाते हैं तभी देखते हो बंदा बोलता है ये तो हैंडसम है तो हंटर भी तो लग रहा है तभी तो देखते ब, तुम क्या बोल रहे हो ये है मतलब तुम्हारा मतलब क्या है तभी तो देखते हमारे मेन कैटेगरी मसल को देख कर को ही जाता है वैसा वाला समझ मतलब ये बंदा नॉर्मली हमारे मेन कैटेगरी को एक्सपेक्ट शो कर रहा होता है कि इसका स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जैसे ये खाना को बना रहा है साथ ही साथ इसका जो एटीट्यूड बॉडी सब कुछ अच्छा है तभी तो देखते वो दोनों खाना लेकर आ चुकी होती है देखते दोनों खाना देख कर सोच रहे होते हैं कि कि ना खाए, खाए ना खाए, क्या करे तो दोनों से इतना सोचने के बाद खाए खा ही लेते हम देखते उसको खाने के बाद साल दोनों को इतना ज्यादा अच्छा लगता है मैं क्या बोलूँ वो दोनों से बस बोलने लगते हैं इतना ज्यादा डिलीशियस खाना मैंने पूरी जिंदगी में मत नहीं खाए वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहे होते हैं वो दोनों बोलते भाई चलो खाने का बिल कितना है दे देते हैं तभी देखते छोटी सी बिल्ली बोलते हैं हाँ फिर से आना तो तभी देखते हो दोनों इस जगह से जाने लगते हैं हम देखते हो तो दोनों बोलने लगते हैं हम इस जगह पर फिर से आएंगे तो तभी देखते मेन मैनिकेटर ब्लैक लिस्ट होकर लगता है जैसे कि कैंग ही ने उसको दिया था तो तभी देखते तो दोनों ब्लैक लिस्ट के अंदर होते हैं तो तब देखते मेन मैनी कैटर बोलता है मैंने सारा दो ब्लैक लिस्ट बंदे को बस मेरे एक खाने से ही उन दोनों को मेरे फैन फैन में कन्वर्ट कर दिया है तो नहीं तो बिल्ली बोलती इसी वजह से मैं आपको बेस्ट वर्यियर बोलती बोलने लगते हैं तो चलो हमारे नेबर्स को भी वैल्यू देना चाहिए फिर तो उसके बाद हम दिखाया जाता है कुछ दिनों बाद जैसे कि मैनकेटर खाना बना रहा होता है एक रैंडम वॉरियर बंदे के लिए जो कि उसके पहले वाले वॉल से आया है हम देखते हैं वो खाना बना ले लेता ही है तब तो बिल्ली उसके खाना बनाना को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी थी वो बोलता है वो हमारा मैनीटा बोलता है कि मैं तुमको सिखा सकता हूँ अगर तुम चाहते हो तब हम देखते बिल्ली बोलती है हाँ मुझे भी सीखना है तभी देखते बहुत ही अच्छे से उसको कुक करने लगते हैं जिसको देख कर बिल्ली भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी थी हम देखते भाई हमारा मैनकेटा बहुत ही अच्छा खाना बना रहा है हमारे देखते ये बिल्कुल सहायता हमारी जेनास की तरह ये बिल्ली भी हुई जिया उसकी दरअस बने लगता है तभी देखते हैं कैटा बोलता है तुम तो इस बार ट्राई करना नहीं बोलते वो बोलता है ठीक है तभी देखते हो रिटर्न ही बनने को खाना दे देते तब तभी देखते हो तो रिटर्न ही बोलते सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे खाना भी दिया थैंक यू थैंक यू तभी देखते हैं वो जब इसको खाता है उसको ऐसा लगता होता है कि उसके घर उसके घर आ चुका है वो तब हम देखते हैं उसको ऐसा लग रहा होता है उसके घर आ चुका है तब हम देखते वो बोलता है मुझे तेरह से आए हुए इस जगह पर तेरह साल हो चुका है तेरह साल अमे मेरे बच्चे बेबी को बहुत ही ज़्यादा मिस करता हूँ मैंने सोच रहा होता है ये बंदा बस तेरह साल से इस जगह पर है और मैं मैं उस जगह पर चालीस साल से था तो मेरा मेरा कितना ज़्यादा दिक्कत हुआ होगा इसको समझे आओ कोई तभी हम देखते हो बंदा बोलता है मैं एक हंटर हूँ फिफ्टी वन लेवल का तभी हम देखते हुए बोलते मिड टायर का सिल्वर रैंक का मतलब तुम मिड टायर में हो मतलब तुम एक सिल्वर रैंक के एडवेंचर हो तो ये बंदा बोलता है हाँ मैं एक सिल्वरेंगे एडवेंचर हूँ फिर वो बंदा बोलने लगता है कि मुझे अपने घर जाना है मुझे किसी भी तरीके से अपने घर जाना है फिर देखते हो बंदा बोलता है तुम एक रिटर्न नहीं हो तो तुम्हें अपने अपने घर जाना है क्या तुम्हें इस जगह पर अच्छा नहीं लग रहा तो ये देखते हो बोलता है नहीं मुझे मेरे घर वनिश में जाना है मेरे मेरे एक बीबी है मेरे बच्चे एक डेंजन इंसिडेंट के वक्त मेरे के पर फेंक दिया गया था डायमेंशन की तरह दो आ रहा तबी मेन कैटर बोलता है तो तुम अर्थ पर खुद से नहीं आए थे तुमको भेज दिया गया था डायमेंशन के द्वारा तो मैंने तो बोलते हैं हाँ मुझे डायमेंशन की तरह इस पर भेज दिया गया था फिर हम तो बोलता है मेरे मेरे घर में मेरी एक बच्ची है मेरी एक बीबी है और मेरा एक छोटा सा ऑल्ट्रेस फिर उन्हें तो अपने बीबी और बच्चे एक और ऑल्ट्रेस को इमेजिन करने लगता है और उसको इमेजिन कर कर वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है फिर तो मेरे कह अजीब सा एक, एक रिएक्शन देता है इस पर वो बोलता है ठीक है मैं तुमको अपने घर भेज दूँगा क्या तुम मुझे अपने घर भेज दूँगे मतलब मतलब वो बंदा बोलता है क्या तुम मुझे भेज भेज सकते हो मैंने बंदा बोलता है प्लीज मुझे भेज दो अगर तुम ये मैं कर सकते हो मेरे कटा एक चुटकी मारता है वो बोलता है ठीक है जाओगे जा अपने घर जाओ भाई ये uh... क्या हुआ डायमेंशन दिया बस एक चुटकी मारा डायमेंशन खोलते बंदा बोलता है ठीक है मैं चला जाता देट थैंक यू हम देखते बंदा डायमेंशन के थ्रू अपने घर जाने लगता है फिर मैं कहता ओफ कितना ज्यादा एनोइंग था मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मेरे सामने रोई थी तो बिल्डर से एक स्माल बोलने देखते साले ने बस एक ही चुटकी से डायमेंशन खोल दिए जो कि गॉड इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है फिर हम उसके बाद देखते हैं वो बोलता है तुम तो इस जगह को क्लियर कर दो मैं चलता हूँ छोटी सी बिल्ली बिल्ली का खाना जो बनाया था उसने वो हमारे मेन कैटे खाने लगता है फिर फिर मुझसे मैं तक कब बनाया था ये नहीं वालों को मतलब मानवा वालों की पसंद है तो ये मेन कैटर का अपना एक फ्लैश रहा होता है जिस जगह पर वो बस पिंचर में बंद हुआ था तभी हम वो बोलता है ये मैं तुम्हारे वॉल से मैं तुम्हारे वॉल से आज किसी आज कई लोगों के साथ मिला था तो उन्होंने उनसे मैंने ये खाना लिया है मुझे पता नहीं कि तुम्हें पसंद आएगा या नहीं बट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है फिर हम देखते हैं मैंगेटर उस खाने को देखने लगता है वो बोलता है ये किमची ये किमची नहीं है ये किमची पॉड्स है देख रहे बंदा बोलता है क्या मुझे धोखा दिया गया है मैंगेटर बोलते हैं नहीं है नहीं ये तुम्हें धोखा नहीं दिया गया फिर तो हम देखते हैं मेन मैनिकेटर उसको खाने लगता है इसी को सोच कर वो बोलता है आज अगर वो बंदा नहीं होता तो आज मैं ये पसंद नहीं होता जो मैं हूँ मैं एक मर्डर हुआ किलर बन जाता है उस पर उस वॉल्ट पर दवाई कर देता था तो हम देखते हैं मैं कटा उसके खाने को खाने लगता है हम देखते हैं वो, वो बोलते हैं मैं कितना लकी हूँ कि मैं ऐसे लोगों के साथ मिला मुझे म, मुझे याद है जब मैं उस पर था मैं मिलता तो उस गोडेस की वजह से मैं सारे लोगों को ही मार देता बट इस बंदे की वजह से आज मैं हूँ जो भी हूँ इस बंदे की वजह से ही हूँ तो तुम्हारा तो शुक्रिया जौन फिर हम देखते हैं मेनकटर बोलता है ए ये, ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था मेरे स्टोमक को रिलीफ मिल गया है मार्केट में आया होता है पहली बार इस दुनिया में आने के बाद वो बोलता है फाइनली मैं इस दुनिया में घूम सकता हूँ अभी मैं कितने ना नौ सालों से नहीं घूमा मैं इस जगह पर आते ही मेरे रेस्टोरेंट को ओपन करने में लग गया था और इतने दिनों बाद मुझे छुट्टी मिला है तो चलो घूमते हैं हम देखते हैं मेन कटर बहुत ही ज़्यादा फूड्स को देखने लगता है वो बोलते हैं इतने ज़्यादा फूड्स है इस जगह पर देखते हैं वो एक स्टोर के सामने आ चुका होता है हम देखता हैं बिल्ली को तभी कुछ दिखता है वो बोलता है सर इसको खरीदते चलो चलो बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा जब मीनक बोलता है हाँ ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा बड़ा सी फूड है देखते हो उमर मेनकटा बोलता है बट ये तो एक हेका की कस है वो बोलता है ये तो हीगीस तो टायर्ड है ये इस जगह पर कैसे आया तो तो बहुत ही ज्यादा जायजेंटियस है मतलब जायंट है देखते हो रेस्टोरेंट से मतलब उस दुकान से होना रहते हैं उसको बोलता है ये मेरे हस्बैंड है और ये कोई खरीदने के लिए नहीं है ये बस शो पीस है है देखते हैं बोलता है मेनकटा बोलता है इसका इसका वेट कितना है वो बोलती है करीबन दो सौ के जी का तो होगा अरे हर हस्बैंड काफी स्ट्रोंग है मैं देखते वेंगटा बोलता है इस एज में ऐसे क्लैम मुझे भी चाहिए तो हम देखते हो उससे पूछता है क्या उन उन्होंने किस जगह से बाई किया क्या मैं जान सकता हूँ उन्हें देखते हुए तो बोलता है उन्होंने वैसी से पकड़ कर लाया इसको अरे तो वेंकटा बोलता है आपका शुक्रिया ये बोलकर हम देखते हो वेंकटा को उस जगह से भगा देता है और उसको टच भी नहीं करने देती होती है मैंने देखते हैं उस जगह में मीनके में देखते हो ना मीनकेटर ने वो सी फूड मतलब सी से एक सी फूड लेकर आ चुका होता है वो बोलता है अब तो मैं तो इसको लेकर आया मैं इसको बनाऊँ कैसे तब तो देखते हैं उसको अपने पूरे पावर से मतलब थोड़े पावर से ही फाड़ देता है और क्या देखता है अंदर बहुत ही ज़्यादा सुंदर एक बहुत ही ज़्यादा अंड के जैसे कुछ होता है भाई मुझे तो देख कर खाने का मन हो गया फिर हम देखते हैं वो बोलते हैं हम देखते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे पीस से उसको काटने लगता है और उसको जब टेस्ट करता है तो उसको इतना ज़्यादा पसंद आता है मैं क्या ही बोलूँ भाई कितना ज़्यादा टेस्टी है तो मैं देखा तो इसका नाम इसका नाम है इसका नाम है क्लैम चाउडर भाई नॉर्थ कोरिया में इससे बार मिलता है क्या नॉर्थ अमेरिकन स्टाइल क्लैम सूप फिर हम देखते हैं मैंकटा बोलता है हाँ मेरे मेरे हाथों में एक उस पावर है कि मैं कुछ मैं कुछ भी बना सकता हूँ फिर वो बोलता है तो चलो इस चीज़ को बनाते हैं और हंटर्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं बोलते हैं इसका ये पाउच भी है। तो होता है इसके अंदर जहर होता है तो चलो उसको निकाल लेते हैं फिर हम देखते हैं मैंकटा बहुत ज़्यादा टेबल स्माल देने लगते हैं फिर बोलता है मैं अब क्या करता हो तो देखो तुम समझ लो भाई ये बंदा अगर डेबल स्माइल देता है मतलब कुछ गड़बड़ तो होने ही वाला है ये समझ लो जाता है बेग केंगे उसके पेट में दर्द हो रहा होता है फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर बोलते हैं चलो स्टार्ट करते हैं उस जगह पर मीन जै आ जाता है बोलते हैं हेलो सर आप क्या कर रहे हो और मेन कैरेक्टर बोलते गुड मॉर्निंग हम देखते बोलता है क्या आप कुछ नया बना रहे हो डिश हम देखते हो मीन कैट बोलता है हाँ क्या तुम उससे खाना चाहोगे तभी वो बोलते हैं हाँ बट ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा ही क्या चीज़ है जो देखता तो हमने मैंकेटा बोलता है ये एक है कि इससे जो कि मैं रिवर से लाया हो तभी देखता हूँ मैंकेटा बोलता है चलो मैं तुमको कर उसका टेस्ट कराता हूँ फिर देखता है मैंकेटर को बोला जाता है कि डायमेंशन ओपन हो चुका है डायमेंशन से बस कुछ ही मतलब कुछ ही दिनों में कुछ मोस्ट निकलने वाले हैं क्या आप इसमें हेल्प कर सकते तो हैं फिर देखते हैं मैंकेटा बोलता है तुम मेरे को तो पता ही मैं ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ने वाला फिर हम देखते हैं उसको समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है इस सके पर फिर वो बंदा बूढ़ने लगता है कि डायमेंशन ओपन हो चुका है बे कहे हु को जगह पैर रखवाली के लिए रखा गया है तुम हम देखते हुए उसने मेन कैप्टन उसको खाना दे दिया होता है वो बोलता है क्या ये सीवर फूड है फिर हम देखते हुए बोलता है ये बंदा सच में मैं उसको जितना देखता हूँ ये उतना ज्यादा कमाल लगता है मुझे इसने इतने बड़े एक बीस्ट को इतने आसानी से इतने पतले करके काट दिया है कि मैं तो सोच भी नहीं सकता अब मुझे नहीं लगता कि अर्थ पर ऐसा कोई इसको कर सकता है फिर हम देखते हैं उसको तो एक बंदे का इमेज आने लगता है अपने मन में फिर हम मैं कहटे बोलता है ये सब टेंशन ओपन और डायमेंशन के जो बात हो रहे हैं इस जगह पर मुझे पता है अगर छोटे मोटे आए गे घंटे तो कोई प्रॉब्लम नहीं बट अगर वो बंदा आ गया है इस जगह पर तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाला है फिर हम बोलते मेन कहटे बोलते हैं तो मेरे पास अभी तीन चार घंटे मैं इसको खाना देता हूँ उसके बाद जाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आ जाता हूँ फिर हम देखते हुए बोलता है क्या मुझे भी जाना पड़ेगा एक कैंगे होता है जो कि उस टनल के सामने होता है वो बोलता है साल मुझे जगह क्यों रखने में मेरे को घर जाके सोने दो ना तुम खरीद रहे जब आ जाएगा मेरे को बता रहा मैं अकेले सको साफ कर दूँगा टेम तो देखते हो बोलते हैं सर ये है, एक एस क्लास से भी ऊपर का है तो प्लीज़ आप मैनेज कर ली मैं नहीं, नहीं संभाल सकती तो टाइम देखते हो बोलते हैं तो मैं इसके बाद ऐसे ही बेटर हूँ क्या देखते हो बहुत ही ज़्यादा टेबल्स समझ देने देखते हो बोलती है तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम है इससे हम देखते हैं अब एक कैंगे बच्चों की तरह रोने लगता है बोलता है ठीक है मैं मैं ठीक है जब आऊँगा मैं दिखा दूंगा सबको कि मैं हू बे कैंग सुपर स्टार मेरा नाम है सुपरस्टार ये बोल के बंदा बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने लगता है वो बोल तो बस इसमें बोलते क्या तुम पीस के लिए, लिए शांत हो सकते हो फिर हम देखते हो बोलता है ठीक है ठीक है तुम जो इच्छा जो मर्जी करो फिर हम देखते हैं उस पोर्टल जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने लगता है धीरे धीरे फिर वो बंदी बोलती है ये तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो मुझे इसको संभालना पड़ेगा साला कुत्ता तो कसी काम नहीं है रैंक हंड्रेड ये रैंक हंड्रेड है फर्स्ट ऑर्डर होने के बाद भी मुझे नहीं लगता है ये काफ़ी होगा इस गेट को संभालने के लिए तो हम देखते हो अपने बेकिंग को बुलाने लगते हैं तभी उस जगह पर बहुत ज़्यादा भूकंप टाइप का कुछ आ जाता है हम देखते तो बुटल बरा होने लगता तो है जिस जगह से मोस्ट निकलने निकलने ही पा लेते तभी हम देखते हैं हमारे देखते, है देखते है डंजर्स के रैंक जो मेजरिंग मशीन मशीन है इस क्लास तक वो टूट जाता है मतलब ये डंजन एस इस क्लास से भी ऊपर का है वो लड़की काफ़ी शौक हो जाती है वो बोलती है इस क्लास से भी ऊपर का डंजन अब हम क्या करें अब इसको रोकना तो हमें हमारे हेड क्वार्टर को इसको इसके रिपोर्ट करना पड़ेगा तभी हम दिखते हैं हाँ बेग कहेंगे बोलता है तुम जाओ तुम जाओ हेड क्वार्टर को रिपोर्ट करो मैं इसको संभालता हूँ बोलता है एक इमरजेंसी है मैं बेक कहेंगी हूँ जितने में अपना वही वाहन करता हूँ मतलब बंदा इस डंजन के अंदर जाने वाला ब्रेक थ्रू से पहले ही तभी भी बोलता है अगर तुम्हे पास तुम मेरे को सेव करना चाहते हो तो तुम्हारे पास मैं बोल रहा हो एक रेस्टोरेंट है उस बंदे के पास जाओ और बोलो मुझे मदद चाहिए उसका नाम है वारिया रेस्टोरेंट का बंदा तुम तो उस प्लेस पर जाओ चैंग प्लेस पर उसके बाद उस बंदे का रेस्टोरेंट होगा तुम उसको बोलो फिर हम बच सकते हैं देखते तो बोलते बैठ बट सर नहीं तो बोलते कुछ ही नहीं मैं चाह रहा हूँ इस तो को सेव करने मैं हूँ फर्स्ट ऑर्डर का बे कैंघे होता है मैं देखते लड़की बोलते सर ये बोलकर हम देखते हो चला जाता है उससे के पर मतलब चली जाती है तभी देखते बंदे का हाथ कपड़ा होता है उस सारा सिगरेट भी नहीं पी रहा होता है हम देखते हैं उसके हाथ से गिर गया होता है तभी देखते एक मिलिट्री ऑफिसर आता है तो उसको सिगरेट देता है बोलता है तुम्हारा शुक्रिया मैम हम देखते हैं करते ही उस जगह पर एंटर कर जाता है हम देखते हैं वो जगह धड़ाधर धड़ा धर गोली चलने लगती है उस से भी छोटे 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 मास्टर आ रहे थे वो तो ये छोटे छोटे हंड से संभाल लेते होते हैं तभी हम देखते वो उस जगह से एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा लिजाट आता है इसको देख कर इन इन लोगों की हवा ही टाइट हो जाती है नहीं तो जगह पर कोई आ अचौता है ये और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है मुझे आने में देरी देर तो नहीं हुआ तब देखते तो बोलता है ये छोटे छोटे मॉसूस को भी संभाल नहीं सकते हंटस मुझे हंटर्स को बहुत जल्द पावरफुल बनाना पड़ेगा देखते तो बोलते हैं इस जगह पर क्या कोई आया था अभी लोगों ने हमें मेन कैरेक्टर को नहीं देखा है हम देखते बिजली रफ्तार से उस बोटल के अंदर एंटर कर जाते हैं हम देखते ये लोग उसको देख भी नहीं पाते देखते हो पोर्टल के अंदर देखते उस पोर्टल के अंदर हमारा कैंग जो कि बाहर बहुत ही ज़्यादा डिंगे फिख बैठा हुआ था हम देखते हैं बहुत उसके उसके सामने मतलब उसके पीछे ही बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े और होते हैं और क्या जो भी बोल लो मोस् होते हैं तभी हम देखते हो वो बोल रहे होते हैं ये पोर्टल अभी बड़ा क्यों नहीं हो रहा क्या हम इसके सामने बैरियर किसने लगाया ये तो बड़ा बड़ा होना चाहिए था बट ये बड़ा नहीं हो रहा फिर हम देखते हैं उसको उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं बट वो टूटने है, तभी हम देखते हैं बंदा काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुका था वो बोलता है मैं इन लोगों को कैसे रोकूँ मेरे पास तो इतना पावर भी नहीं भगवान मुझे बचा ले मैं इस जगह से वापस जाना चाहता हूँ आखिर मेरे पास भी पावर होता था मैं इनको संभाल सकता था जब आने लगता है तभी दे हम देखते हैं कोई उस जगह पर आ चुका हम देखते हम देखते हैं बंदा काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है वो एक जम से उस जगह से भाग जाता है क्या हम देखते हो वो उन लोगों ने उसका साउंड सुन लिया होता है हम देखते हैं वो तो लोग बोलता है शायद वो बैरियर सेट करने वाला इस जगह पर होगा हम देखते हो उस जगह पर इसको मारने आ रहे होते हैं मैं तुमको एक बात बता देना चाहता हूँ ये जो सारे और मास्टर्स है ये एस एस क्लास के मास्टर्स है मतलब एस क्लास से भी ज़्यादा पावरफुल तो ये बेकिंग का को कोई चांस ही नहीं है हम देखते हो उनके ऊपर गोली चलाने लगता है कुछ ऐसा लग रहा होता है कि उनके ऊपर कोई कागज कागज़ फेंक के मार रहा है हम देखते हो वो बस उसका कुचल नहीं पाला था तभी देखते हो बोलता है भगवान मुझे अच्छा लगता है उस तो जगह पर गॉड से भी पावरफुल कोई आ जाता है हम देखते हैं वो बोलता है ये आ चुका है आ चुका है इस जगह पर अब मैं बच गया तब देखते हो तो अपना तलवार निकलता है इस जगह पर और अपना एटोमिक पावर निकल देता है ये जस्ट लाइक ए पावर इनफिनसिबल होता है तभी देखते वो बोलता है ये क्या चीज है ये क्या है अपना स्लैश मारता है एक एक स्लैश में वो पूरे के पूरे जितने भी वर्क होते हैं क्लास के उन सबको एक एक बार में मार देता है तभी हम देखते हुए बोलता है ये तो एक मोस्त है क्या मैंने इसको पंच मारने की कोशिश की थी तभी बोलता है मैं तो बच के साला अगर इसने मुझे मार दिया होता तो मैं क्या करता तभी देखते हमारा मेन कहटा उसको देख लेता है तभी देखते उसके टप सर पर टपली मारता है बोलता है तुम क्या देख रहे हो हम देखते हुए बेहोश हो जाता है तभी देखते हुए बोलता है ये पंख क्या देख रहा था छुप कर बोलता है क्या मैं मैंने सबको मार दिया एक भी तो नहीं बचा किससे से अब फिर देखते हुए बोलता है चलो इस पंख को लेकर लेकर चलता फिर हम देखते हैं उस जगह से जो जाने लगता है वो बोलता है मैंने इस पंख को सेव कर लिया है तभी तो हम देखते हैं हमारे हमारी छोटी सी एक मतलब नेवी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी थी नेवी बोल हम देखते हैं उस रेस्टोरेंट पर मतलब ये पास्टर से हम दिखाया जा रहा है तभी तो हम देखते हैं नेवी बोलते मास्टर मुझे बचाइए ये, ये लोग मुझे मार देंगे तभी तो हम देखते उस जगह पर हमारे उसी उसी मतलब उसी बंदे की सेक्रेटरी जगह पर आ जाते वो बोलते सर मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है फर्स्ट ऑर्डर की ब्रेक कहेंगे आपकी हेल्प की जरूरत है देखते हो बोलता है बेक कहानी सुना देते हैं मैनकटर से जा जाता है चला जाता है और हम देखते हैं मेनकटर बोलता है तो हम पहले तरह बैठो बोलते हैं हमारे पास फिर बोलते हैं ये अभी ये वक्त नहीं है ये सब करने का फिर हम देखते लड़की बोलने लगती अभी ये सब वक्त नहीं है ये सब करने का आप मुझे गलत समझ रहे हैं देखते फिर हम देखते हो ना मेनकेटर बिल्कुल शॉर्ट में उससे पूरा स्टोरी सुनने लगता है फिर बोलती है लड़के की इस जगह पर एक रेप खोला था उस जगह पर बेग कहेंगे उन्हें एंटर किया उसके बाद तो क्या हुआ मोरे का पता नहीं फिर हम देखते हैं मेन क्या बोलता है मैं बैठ कर रहा हूँ अभी किस जगह पर किसी जगह पर छुपा हुआ होगा फिर हम देखते हुए वो बोलता है उस बंदा बेग कहंगे बंदा सुधर रहा है मुझे उसको हेल्प करना चाहिए वो बोलते ठीक है, है मैं उसको हेल्प करने जा रहा हूँ तुम पहले तो मैं तुमको कुछ खाना खिलाना चाहूँगा मेरे रेस्टोरेंट पर मैं उसको खाली नहीं छोड़ता तभी हम देखते ये कोई इमरजेंसी होता है इसलिए वो सारे कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा गुस्से की नज़र से देखने लगता है उन सारों को उस जगह से भेज देता है फिर हम देखते अंदर उस लड़की से पूछते हैं क्या तुम भी एक हंटर हो फिर हो बोलते हाँ मैं ऑफिस में तो काम करती हूँ बट मेरा एवक नहीं हो चुका है तो मैं भी एक हंटर हूँ फिर हम अंदेख तो बहुत सारे डेबल स्माइल देने लगता है बोलता है ये परफेक्ट है फिर अंदेख तो उसके बाद वो अपना रेस्टोरेंट से बोलता है मतलब अपने काम पर चला जाता है वो बोलता है मैंने मतलब उसकी लड़की के लिए कुछ खाना बनाने लगता है तभी लड़की बोलती है सर सर आपको कुछ गलत समझ रहे हो ये अभी इसका टाइम नहीं है खाना खाने का तभी बोलते मैन मैं ही पर मैं गॉडेस से भी ज़्यादा पावरफुल हो तो मैं तुम चिंता करने की क्या जरूरत है तभी बोलती है मुझे इसके पावर से कुछ टेबल सा स्माइल बनाना चाहिए जिससे इस लड़की की पावर बढ़ जाए फिर हम देखते हैं वो कुछ खतरनाक सा बनाना चाह रहा होता है फिर हम देखते हैं वो उस लड़की से पूछता है तुम क्या कुछ खाना चाहोगे कुछ ऐसा जो तुमको पसंद है तभी तो देखते लड़की बोलती है, है हाँ मुझे तो पसंद है तभी मेकेटा बोलते क्या तुम्हें ठंड लगती है या कोई तुम्हारे पास सिम्टम्स है या कभी कभी तुम्हें सर में दर्द होता है लड़की बोलते है हाँ मुझे ये होता है बट मुझे लगता है ये ओवर टाइम काम करने की वजह से होता है तो मेकेटा बोलता है नहीं 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 ये तुम्हारे एक है हम देखते हैं मेरे पास से कुछ है ऐसा तभी लड़की बोलती बोलते या कह ये क्या कोई फार्मेसी है या कोई रेस्टोरेंट तभी देखते हुए बोलता है मेरे लिए तुम्हारे लिए परफेक्ट डिश बनाना चाह रहा हूँ तो वेट कर लो थोड़ा तभी देखते हुए बोलता है ये बंदा मुझे कह कोई डॉक्टर भी नहीं दिखता रेस्टोरेंट रोना भी नहीं दिखता तभी देखते मैं कहटा उस सी फूड से कुछ बनना दिखता तभी हम देखते हैं उस जगह पर मैसेज कर दिया जाता है उसने उस गैस एसोसिएशन को तभी देखते जिन तभी हम देखते हमें मैंकटर बनाने लगता है इस खाने को तभी देखिए खाना बन चुका होता है मतलब खाना बनाने लगता है तभी देखिए खाना बनाने 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 तभी देखते हैं वो उस क्लैम से कुछ ऐसा डिश बना देता है क्लैम चाउडर जिसको खा... जिस बोलते हैं लड़की बोलती है इतना बड़ा क्लैम मैंने आज तक नहीं देखा मैं देखते हैं मैनीटर बोलता है ये मैंने सी से लाया है जब हम देखते उसको देख के काफ़ी ज्यादा शौक हो चुके थे वो बोलते तो मोस्ट रहे ये तो एक घंटे ही पे करते थे तभी हम देखते वो बोलते शांत हो जाओ कुछ गलत मौसम मैंने इसको खरीदा है बस तभी लड़की बोलती है तभी लड़की बोलती ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तभी हम तभी हम देखते लड़की बोलती है ये कई ट्रेनिंग है अगर मैंने इसके साथ कुछ भी ऐसा किया तो ये मुझको मार ही देगा तभी देखते हैं वो क्लैम चाउडर बन चुका होता है हम देखते हम वेंकटा उसमें उस से थोड़ा सा लेकर तो उसके अंदर अपना मैजिक पार देता है वो था परफेक्ट इस लड़की के लिए तभी देखते उस लड़की को खाना देकर दे देता है भाई लड़की बोलती है वो लड़की से बोलते तुम टाइम लेकर खाओ तभी हम देखते हम वेंकटा बोलता है ये असल इसको असल में मैं बोलना चाहूँगा क्लैम मिल्क चाउडर पाउडर देखते लड़की बोलते नहीं 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 मुझे नहीं खाना मुझे नहीं, नहीं खाना जब देखते वो लड़की बोलती है ये कि नहीं है अगर मैंने इसकी बातों को नहीं सुना तो नहीं ये, ये मेरे को डिस्ट्रॉय कर देगा तो हम देखते उस को खाने को खाने खा 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 उस खाने को जैसे ही खाती है उसको ऐसा लग रहा होता तो है उसके बॉडी के अंदर मतलब कुछ उसका बॉडी गर्म हो चुका है हम देखते उसको ऐसा लग रहा होता है कि एक्स्ट्रीम ठंडी के अंदर एक बॉनफायर मिल गया है वो लड़की उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था उसने अपने कोट उतार दिया होता है तभी देखते हैं मैं क्या बोलता है तो कैसा था ये रिफ्रेशिंग था ना तो लड़की बोलती है हाँ ये काफ़ी रिफ्रेशिंग था तभी हम देखते हो उसको सब तभी उसको सब मतलब उसके दिमाग से सब कुछ उठ गया होता है वो बोलता है आपका शुक्रिया आपने मुझे ऐसा खाना खिलाया तभी तो हम देखते हो मीन जी बोलते मेरे का को कोई बच्चा आओ तभी देखा जाता है कोरिया के हंटर एसोसिएशन का ब्रांच ऑफिस का सीन जिस जगह पर हम देखते हो बेक कहेंगे उससे होता है जियो की एसिस लेवल का ड्राफ्ट खुला था उस जगह पर मैंने सुना है कोई रिटर्न नहीं बंदा उस जगह पर उस डंजन को क्लियर किया है तभी देखते हुए बोलता है वो कोई रिटर्न ही नहीं था कोई हंटर भी नहीं था वो बस एक रेस्टोरेंट ओनर था तभी देखते बंदा बोलता है रेस्टोरेंट रेस्टोरेंटर मेरे को उससे बात करना है तभी देखते हो बोलते साला तेरे को उससे बात करना तू पता भी हो वो कौन है तभी हम देखते हो बंदा बोलता है हे तुम तू क्या सोच मन में तभी हम देखते वो बोलते हैं अगर हम ऐसे रिटर्न नहीं कहो हम हमारे साथ ले ले तो वो इतना ज़्यादा अच्छा होगा तभी हम बोलते हैं हाँ हाँ अपने सपनों में तभी हम देखते हो बोलता है वो अपने अपने पावर को छुपा रहा है इसका मतलब वो इस अपने आपको वर्ल्ड के सामने ले नहीं लेकर नहीं आना चाहता तो तुम उसको फोर्स करोगे तो आ जाएगा क्या तुम क्या समझते हो हम देखते हो बोलते मैं उसको सामने बिग डील लेकर जाऊंगा तुम क्या सोचते हो तुम पे टी शर्ट देखते हो बिग कहू मतलब बिल्कुल एकदम क्लाम रहता है वो बोलता है आप आप ट्राई कर सकते हो उसको लाने की तभी देखते हो बोलता है आप मैं तो जा रहा हूँ मैं तो लीप लेकर जा रहा हूँ वो बोलता है तुम क्या करना चाहते हो बोलते मैं तो ज़मीन ख़रीदने जा रहा हूँ फिर हम देखते हो बंदा बोलता है इस टाइम पर मैं एक ज़मीन खरीदूँगा वो बोलता है देखना मेरा ज़मीन का प्राइस सबसे ज़्यादा ऊपर जाएगा फिर हाँ देखते हो बोलता है तुम इस जगह पर हमारी लगी पर ही है तुम इस पर ज़मीन खरीदने जा रहे हो फिर देखते फिर हम देखते हुए बोलता है मैं के जमीन इस उस जगह पर ज़मीन इसलिए खरीदने जाता हूँ उस रेस्टोरेंट के पास क्योंकि उस रेस्टोरेंट के पास अभी के इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा सेफेस्ट प्लेस है इस जगह का फिर हम देखते हुए बोलता है वह रेस्टोरेंट का पास पास वाला जगह अभी वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा सेफेस्ट प्लेस है अगर वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाए ना उस जगह बिल्कुल सेफ रहेगा फिर हम देखते हैं मीन से ही बोलता है तो कैसा लगा मेरा प्लान तो अभी हम देखते हैं इसके सब बातों को सुनकर ओ डायरेक्ट ओ, ओ, बोलते हैं हाँ हाँ मे मैंने कोई खरीदना चाहिए तो अभी हम देखते हैं वो और आज ही इतना गर्म कैसे हो गया हम देखते पास से कुछ लोग उनको उसको देखने लगते हैं हम देखते है वो बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है कि मैं ओबर ड्रेस करके रखा हुआ हम देखते वो बोलने लगता है इस जगह का वेदर तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है हम देखते हैं उसको एक शॉप दिखता है जिससे जगह पर से वो एक चॉकलेट उठाता है आइसक्रीम है जो कि मैंने गलत बोला था हम देखते हुए बोलता है इस जगह का वेदर तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है क्योंकि नौ नौ साल पहले इस जगह पर बस यही ये, ये सीज़न होता था बट आज इस जगह पर डिफरेंट है हर मंथ सीज़न चेंज हो रहा है हम देख इस चीज़ जो कि खा रहा था इसको आइस पॉप बोला जाता है हम देखते हुए बोलता है वाह ये खाना खा के मैं बिल्कुल फ्रेश हो गया फिर हमें अगले सीन को दिखाया जाता है जिस जगह पर वो बोलता है मुझे क्या करना चाहिए मुझे लगता है मूवी देखने से बेहतर आज और कुछ हो ही नहीं सकता हम देखते हो बोलता है लग कितना ज़्यादा अच्छा है बस तीन मिनट के अंदर मूवी शुरू भी होने वाला है हम देखते हैं वो मूवी क्या हॉल के, के बाहर देखता है जैसे कि पर ओपनस का एक मार्केट खुला हुआ था हम देखते वो बोलता है कि हाँ कितना मज़ा आ गया सकेंड हैंड शॉप इस जगह पर भी सेकेंड हैंड शॉप मिलते हैं क्या हम देखते हैं वो नेवी को देखता है जैसे जगह पर बैठा हुआ था हम देखते हो बोलता है कि तो ने, नेवी को भी एक दोस्त मिल गया है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है उसके बाद हम देखते वो अपने मूवी मूवी को देखने के बारे में सोचता है उसके बाद हम देखते छोटी से छोटी सी बच्ची को जो कि हमारे नेवी को देख रही होती है हमारे नेवी बोलता है ये कौन सा चीज़ है मुझे तो ये कहना चाहिए हम देखते हो जो छोटी सी बच्ची हमने नेवी को देख कर काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी थी हम वो बोलती है कि छोटे से कैट तुम कहाँ से आए हो हम देखते हो छोटी सी बच्ची सोचने होच्च लगती है कि मैं ऐसे दोस्ती कैसे करूँ मेरी मम्मी मम्मी ने तो बोला है कि कभी भी किसी अनजान आदमी के साथ या अनजान लोगों के साथ दोस्ती मत करो हम देखते हो उसको एक आइडिया आता है वो घर के पास जाती है और बोलती है ए, अंकल एक चिकन सिकर देना हम देखते हैं एक चिकन सिकर देती है जो कि बहुत तो ज़्यादा टेस्टी दिख रहा होता है हम देखते हैं नेवी और नेवी को देती है बोलते हैं ये लो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ हम देखते हो नबी बोलती है बट मैं स्ट्रेंजर से कैसे ये ले सकती हूँ वो बोलती है कि नहीं मुझे तुम्हारा फ्रेंड बनना है मिस्टर कैट हम देखते हो बोलता है मैं मेरा मेरा बोलते ठीक है, है मैं तुम्हारा फ्रेंड बनूंगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है हम देखते हैं छोटी छोटी सी बच्ची उसको खाना दे देती है और उसको खाने भी लगता है और उसको काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है उसको देख कर ही लड़के भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुकी थी क्या ये इतना ज़्यादा टेस्टी था अभी हम देखते हो उसको खाने और खाने के बाद उसको कुछ याद आता है हम देखते हो छोटी सी बच्ची बोल बोलती है तुम्हें क्या हुआ और हम देखते हो कैंड बोलता है कि मैं अगर इसको ज़्यादा खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा बिल्कुल एक पिगी कैट उसके बाद मिस्टर हीरो मुझे अपने साथ नहीं रखेंगे हम देखते छोटी सी बच्ची बोलती है क्या तुम इसको नहीं खा हो और मिस्टर हीरो मुझे अपने साथ नहीं रखेंगे हम देखते लड़की बोलती है तो अब हम क्या करें हम देखते वो बोलता है वो बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है तुम अगर एक खाओगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि एक खाने से कोई मोटा नहीं हो जाता हम देखते हो कैट बोलता है कि सच में एक खाने से कोई मोटा नहीं होता क्या हम देखते लड़की बोलती है हाँ तुम्हें खा सकते हो और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है फिर उसके बाद तुम एक्सरसाइज कर लेना तो तुम कभी नहीं मोटा होंगे और खा भी सकते हो तुम काफ़ी तो ज़्यादा दे हम देखते कैट बोलता है वाह य तुमने तो बहुत ही ज़्यादा शानदार आइडिया दिया है अब मैं यही करूँगा हम देखते हो कैट बोलता है अब ये चीज़ मुझे खाना ही पड़ेगा बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियसली इसको खाने लगता है हम देखते उसको काफ़ी ज़्यादा क्यूट दिख रहा होता है उसके बाद लड़की उसको लेकर वो दूसरी जगह जाती है खाने के लिए दूसरे सीन में हम देखते हैं बे गैंग ही को जो कि बोलता है और साला टकला मैनेजर उसको मैं सामने आ गया अभी तो मैं उसको मार दूंगा साले को साले ने साले को सभी लोग आज इन्जॉय कर रहे हैं और उसने और उसने मुझे ड्यूटी पर लगा दिया और साला मैनेजर पे लगा देगा साला मेरे को फिर से काम पे लगा देगा मुझे जल्द से जल्द से भाग जाना पड़ेगा हम देखते हुए हम देखते हैं मेन जय बोलता है कि तुम मिलिट्री के एक हाई रैंकिंग ऑफिसर हो तो तुम ऐसा कभी भी मत करो भाई तुम्हारा इज्जत है कुछ तुम फर्स्ट ऑर्डर भी हो तो वो शर्म भरम करो इज्जत विज्जत करो अपने आप का हम देखते हो तो बोलते काहे का इज़्ज़त बे साला सभी लोग आज साला सभी लोग आज इंजॉय कर रहे हैं संडे के दिन डेट पर जा रहे मूवी देखने जा रहे और मैं इस जगह पर मुझे इस जगह पर पेट्रोलिंग नहीं करना हम देखते हो बोलता है हाँ मैंने समझ लिया मुझे डिस्ट्रेक्शन को हटाना पड़ेगा हम देखते हो बोलता है मुझे मुझे भी मुझे भी घूमने जाना है मुझे भी सोना है मुझे भी मूवी देखना है डेट पर जाना है ये बोलकर हम देखते बेकिंग बोलता है हम देखते हो उससे अपने एक स्किल को एक्टिवेट कर लेता है जिसका नाम होता है इनविजिबिलिटी और उसके बाद वो तो गायब हो जाता है और दूसरे सीन में हम देखते हैं मीन जई को जो कि उसे क्रिमिनल को पकड़ने आया होता है हम मेनजय को देखते हैं जो कि कुछ लोगों के सामने खड़ा हुआ रह रह है जो कि उसके घंटा हुए होते हैं हम देखते हैं मेनजई बहुत ही डेड तो स्माइल देता है उसके बाद हम देखते हो बिल्कुल शरीफ की तरह एक पोस्ट करता है उसके बाद ही वह तो बिजली की रफ्तार से जाकर उन सभी लोगों को मार देता है हम देखते हैं मीन जय का काफ़ी काफ़ी ज़्यादा कूल स्टाइल देखकर उसके सोल्जर्स बोलते लगते हैं बॉस अभी तो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कूल हो अपने पास एक ही सेकेंड में इन सभी को मार दिया उसके बाद हम देखते हो सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है उसके बाद वो बोलता है ये मनी हंगरी का किस जगह पर है तुम्हारा गैंग मेंबर हम देखते हो वो लोग बोलने लगते हैं मैं तुमको कभी नहीं बोलूँगा हम तुमको कभी नहीं बोलेंगे हमारा गैंग लीडर किस जगह पर है तो मर साले हम देखते हो बोलता है इन लोगों को इस जगह से ले जाओ उसके बाद हम देखते मीन जी बोलता है कितना हता था वो सला कमीना बेक कहेंगे वो किस जगह पर गया मुझे ये सारा काम एक साथ करना पड़ा है मुझे आ, मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिला कि सामने ही उसका गैंग लीडर है जो कि उस जगह पर छुपा हुआ है हम देखते हैं उस जगह उसी जगह पर बेकिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं करता वो बोलता है तभी उस जगह पर एक दरवाज़ा खोलती है क्लियर की वो बोलती है बॉस पावर आउट गेच हो गया है हम देखते हैं बॉस बोलता है तो इतने जोर से चिल्लाया कि बे पानी भी रहा था ना मैं डर गया वो बोलता है कि पार आउट गेज हो गया तो ठीक है कोई बात नहीं अभी हम उस जगह पे लकी बोलती है ये ये किसी गलेटी में ये हलचल मच रहा है हम देखते हुए बोलता है तो फिर उस जगह पर कौन सा हीरो है हम देखते हुए बोलते है उस जगह पर बे को भेजा गया है उसी जगह पर हम देखते उसी पागल के क्रिमिनल को जो कि सारे शहर का इलेक्ट्रिसिटी सौख रहा होता है तो वो बोलता है और पावर और पावर करके बंदा चिल्ला रहा होता है हम देखते बे कैंगी बोलता है कि हाँ हाँ बॉस ठीक है ठीक है मैं उसको अभी अभी वो बंदा मर जाएगा क्योंकि तो उसने खुद ज़्यादा ज़्यादा पावर ही सोख लिया है उसके अंदर से वो ज़्यादा देर हैंडल नहीं कर पाएगा क्योंकि ये कोई नॉर्मल पावर नहीं है ये इलेक्ट्रिसिटी पावर है वो भी सारे सिटी का अब हम देखते हैं मेन मेन जय बोलने लगता है तो ठीक है बॉस कम हो गया उसके बाद हम देखते हैं कुछ और जगह का सें से। जैसे कि मेन कैरेक्टर मूवी दिख रहा होता है हम देखते हैं एक लड़की बोलती है मुझे दो साल बाद तुम मिलने आए हो मुझे अब छोड़ मत जाओ हम देखते उस लड़का बोल रहा है तुम्हें दो साल से खूच रहा था मेरी प्यार तुम मेरी प्यार हो हम देखते हो लड़का बोलता है मैं तुम्हें ऐसे देख देख सकता हूँ सारा सरल लाइफ में तुमको ऐसे ही देख सकता हूँ और हम देखते हो लड़का बोलता है तो अब मरने के लिए तैयार हो जा मेरे माता पिता के किलर हम देखते तभी हमारे मेन कैटा बोलते क्या ये एक मर्डर रेड है हम देखते तभी पावर आउटगेज हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी डाउन हम देखते हो मैनकेटा बोल देखते ये ये क्या हुआ अभी हम देखते सारे लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं हम देखते एक बंदा बोलता है कि हमें माफ़ कर देना क्योंकि पावर आउटगिच की वजह से हम स्क्रीनिंग को चालू नहीं रख सकते हम देखते हैं मेकाटा बोलते हैं ये, ये ये क्या वो ये क्या कोई जोक है हम देखते हैं वो बोलता है मेरा लग भी कितना ज़्यादा बुरा है इतने सालों सालो बाद सालों बाद मैं चालीस साल बाद कोई मूवी देख रहा था और वो भी वो भी मैं पूरा नहीं देख पाया मेरा लग कितना ज़्यादा बेड है सारा कॉडिंग इसमें तेरे को नहीं मेरे को इतना ज़्यादा जलन की हो रहा है इस जगह पर हम देखते हो मेकाटा बोलते हैं चलो अभी मैं क्या ही कर सकता हूँ हम देखते हो अपने घर पर आ चुका होता है घर पर आकर बोलता है अगर मेरा कोई भी खाना जैसे पर पावर आउटगट की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया तो मैं इस इसके एरिया को ही ख़त्म कर दूँगा हम देखते हो बोलता है हाँ ज़्यादा गुस्सा करके कोई फ़ायदा नहीं अभी मुझे शांत होना पड़ेगा हम देखते हुए बोलता है तो मैं क्या बना सकता हूँ देखता हूँ हम देखते छोटा सा ऐसे छोटा सा आइस मेकर निकालता है आइस मेकर मतलब कि उसी तो उसके अंदर बर्फ़ दिया जाता है वो आइसक्रीम बन जाता है हम देखते बोलता है ये मैं बचपन में यूज़ करता था तो चलो आज इसके इसी से यूज बनाते हैं के ऊपर चॉकलेट क्रीम एंड कुछ पॉपअप्स देख के इसको बनाऊँगा हम देखते हुए बोलता है तो चलो देखा जाए कैसे बनाता है हम देखते हो मीन कैटर बोलता है इसको देख कर मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई उसके बाद हम देखते हुए बोलते हैं चलो बनाते हैं हम देखते हो बना दे देखते उसको बनाना स्टार्ट करता है और उसके अंदर पहले वो दूध देता है उसके बाद स्ट्रॉबेरीज उसके बाद वो वाटरमेलन देता है वो बोलते हैं ये वाटरमेलन मेलन मुझे मीनचे ही ने दिया था हम देखते हैं उसने बिल्कुल बहुत से सुंदर तरीके से फ्रूट आइसक्रीम वाह मैंने न्यू नाम रख दिया इसका फ्रूट शेप आइसक्रीम वो बोलता है इसके ऊपर कुछ अल्कोहल दे देता हूँ जो कि मुझे किंग ने दिया था ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होगा हम देखते हो है उसको एल्कोहल मिल भी जाता है वो बोलता है मैं वार था तब मैंने डेविल गोट को किल किया था उसी से मुझे ये मिला है मैं देखते हुए उसके ऊपर ये दे देता है और इसको काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है वो बोलता है हाँ हाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी है देखते वो बोलते हैं तो इसका टेस्ट ऐसा होगा मैं मेरे लाइफ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है मुझे खाकर मज़ा ही आ गया हम देखते हो बोलता है कि हम देखते नेवी को जो कि घर आ चुका होता है हम देखते हो लड़की बोलती है आपका शुक्रिया शुक्रिया क्यों बोल रही है ये लड़की अगर उसने तो भी नहीं किया भाई सच में जापान का कल्चर ही कुछ ऐसा होगा शायद हम देखते न्यावी बोलता है हम देखते हो हमर मैनकेटर बोलते हैं तो तुम्हारा स्वागत है इस जगह पर हम देखते हो बोलते हैं तो तुम लोग कुछ खाना चाहोगे उस चीज़ के ऊपर चाहता है हम देखते हो दोनों का नज़रिया उस चीज़ के ऊपर चाहता है और हम देखते हो हमर मैनकेटर उनके लिए भी बना देता है हम देखते बेग कैंगी और मेनजय को जो कि हमारे मेन कैटेगरी रेस्टोरेंट के में आ चुके होते हैं हम देखते हैं मेन कैटेगरी रहे बोलते हैं है नहीं भाई दोस्तों क्या कर रहे हो हम देखते हम वो दोनों काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं वो बोलते हैं साला ब्रांच मैनेजर को मर जाना चाहिए हम देखते हैं कैंग बोलते हैं मुझे इस जॉब को क्विट कर देना है मुझे मजा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है मैं कह रहे बोलते है, है, तुम दोनों को क्या हुआ है कई क्या बोल रहे हो तुम दोनों को हम देखते हो ठीक है तो एक हाई रैंकिंग ऑफिसर आने वाला था तो बेग कहंगे उस जगह से भाग गया था तुम्हें सारा काम अकेला संभालना पड़ा और इसलिए तुम गुस्सा हो हाँ साले साले ने मुझे एम रखता मुझे छोड़कर भाग गया था और मुझे अकेला उस गुंडे से लड़ना पड़ता था साला कितना ताकतवर था मेरे पास अगर टीम नहीं होता तो मैं कैसे जीता उन लोगों से हम देखते हुए एक कैंग बोलते साला मेरे गति थी मैं तो पूरे दिन से काम कर रहा हूँ तो मैं मैं क्या ही कर सकता हूँ तो मैं क्या करूँ तू तो तेरा ही गलती था तुझे सम्भालना चाहिए था तो मैं क्या करूँ अगर कोई मिलिट्री मिशन था तो कमांडर तुम्हें तो अपना डिविजन कमांडर का काम निभाना चाहिए था वे कहेंगे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था हम देखते वे कहेंगे बोलते सर मैं कोई डर नहीं था मैं पूरे दिन एक कुत्ते की तरह काम कर रहा था तो मुझे तो रेस्ट चाहिए मुझे रेस्ट तो थोड़ा चाहिए काम को करने नहीं आया था मुझे सलाह के लिए सारे काम को करना पड़ता है एक कुत्ते की तरह तो मैं उस कुत्ते की तरह काम से छुटकारा पाना चाहता हूँ हम देखते तो मैन कैटा बोलते हैं तुम दोनों के हेड एक को थोड़ा कम करने के लिए मैं तुम दोनों के लिए बना देता हूँ जो तुम जख्म को हिल कर देगा हम देखते हमें हमारे मेन कहटा बोलता है तो तुम्हें क्या चाहिए खाने को हम देखते हो दोनों फिर से झगड़ा करने लग जाते हैं फिर हम देखा जाए तो मिस्टर पेरो जो कि होता है डिवीजन मैनेजर जिसके बारे में ये दोनों बात कर रहे होते हैं हम देखते हैं ये एक है, दूसरे दुनिया का क्रिएचर है जो कि इस वर्ल्ड पर रिफ्ट की मदद से आ चुका होता है हम देखते हैं वही हमारे बेकैंग की सेक्रेटरी उससे बोलती है कि डिवीजन मैनेजर आपका क्या हाल चल है वो बोलते हैं हाँ मैं तो ठीक ही हूँ अभी बट मुझे खाने का थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि इस वर्ल्ड का कोई भी खाना मुझे मुझे सेटिस्फाइंग नहीं लगता मुझे होमनेस हो गया है क्योंकि होम सिकनेस हो गया है मेरे घर का खाना मुझे बहुत ही ज़्यादा याद आता है मेरे घर के खाने को मुझे इस तरह का खाना सूट ही नहीं होता हम देखते हो लड़की बोलते तुमने क्या क्या है वो बोलता है हाँ मैंने बहुत बार ट्राई किया है बट वो उससे भी काम नहीं बना हम देखते हो बोलता है मुझे तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है बट तुम क्या ही कर सकते हो हम देखते हो बोलता है हाँ मैं क्या ही कर सकता हूँ मैं अपने काम से भी टायर्ड हो चुका हूँ खाने का भी कुछ अच्छा नहीं मिलता तो तुम समझ सकते हो अपने घर को जाना है प्लीज़ मुझे कोई घर भेज दो हम देखते वो बोलता है मुझे अपने घर का खाना खाना है हम देखते तभी उस लड़की को किसी के बारे में याद आता है वो बोलता है ये मेरे पास तुम्हारे लिए बिल्कुल सही बंदा है उस बंदे के पास तुम जाओगे तो तुम कुछ भी खा सकते हो हम देखते हो बंदा रास्ते में चल रहा होता है हम और बच्चे उसके ऊपर खेल रहे होते हैं वो बच्चों को बाय बाय बोलता है कि बच्चों फिर से बाना में अच्छी जगह चले जाते हैं उसको बाई बाय कर कर हम देखते हो बोलते हैं हाँ कितना मज़ेदार था रेस्तों में यही तो मज़ा है एक चीज़ हम देखते हो वारे रेस्टोरेंट के सामने आ चुका होता है मेन करेक्टर निकलता है वो तो मिस्टर पिरो मुझे कॉल आ चुका था उस लड़की की तरफ से वो बोलता है मत मतमना क्योंकि आप अंदर नहीं आ सकते इस रेस्टोरेंट के हम देखते हो बंदा ओ बंदा बोलते क्या मैं अंदर नहीं आ सकता हम देखते हो हमें हम कह बोलते मुझे गलत मत हैं मिस्टर पेरो आप इसलिए मैं अंदर नहीं आ सकता मुझे मैं ऐसा मत करो हम मेन मैंने से वो माफ़ी मांग रहा होता है दूसरी सीन में कि भाई मुझे माफ़ कर दे क्योंकि मैंने तुझे गलत समझा था और उसके बाद हम देखते हो वो बंदा बैठ चुका होता है हम देखते हैं कुछ लड़के उसको देखकर कर बोल दिए बोलती, बोलती हाँ कितना ज़्यादा क्यूट है क्या एक कोला खाता है हम देखते हैं हम उनको छून रहा होता है और बियर वाला आदमी बोलते साला ये लोग मेरे को क्या समझते हैं साला मैं उनको मार दूँ क्या अभी वो बोलते क्यूट दिखता है इसलिए क्या मैं कोला पीता भी था। मैं कोला नहीं पीता भाई ये लोग क्या ही कर रहे हैं इन पागल लोगों का हाँ छोड़ो इनको क्या ही कर सकते हैं हम देखते हैं हो मैंगटा बोलते हैं हाँ ये करेक्ट है तुम्हारा होम सिकनेस प्रॉब्लम है है ना हम देखते हैं वो बोलते हैं हाँ मुझे अपने घर का खाना याद आता है और मैं एक तरीके से बीमार हो चुका हूँ हाँ मैंकटा बोलते हैं, साला ये लोग मेरे को क्या समझ के रखे क्या मैं कोई डॉक्टर हूँ क्या पेशेंट को भेजते हैं मैं भाई खाना बनाता हूँ हाँ छोड़ो इसके प्रॉब्लम को पहले ठीक करते हैं हम महकटा बोलते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए बिल्कुल सही खाना है जो तुम्हारे घर का ना तुम्हें याद दिला देगा हम देखते हो वो बोलता है मुझे कोई भी याद का खाना मुझे अच्छा नहीं लगता मैंने सारे इन्ग्रीडियंट उसका अच्छा खाना मैं सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ बट कुछ भी कुछ भी सही नहीं हो रहा हम देखते हैं महंगा बोलता है तो तुम एक और वर्ल्ड से आए हो जिस वर्ल्ड पर इस वर्ल्ड का खाना बहुत ही अलग है आ, अगर तुम तुम्हें अपने घर का खाना नहीं मिला तो तुम अपने असली रंग दिखा दोगे मतलब तुम अपने असली रूप में आ जाओगे और चार होता बस भूकाल मच जाएगा तुम लोगों को मारने लग जाओगे अब हम देखते हैं बियर बोलता है हाँ मेरा असली रूप बाहर आ जाएगा और मैं बहुत ही ज़्यादा कुरेल और वायलेंट हो जाऊँगा और मैं सभी लोग को मारने लग जाऊँगा हम देखते हो मैंकटा बोलते तो तुम्हारा मतलब तुम्हारा जो इंटेलिजेंस है और जो तुमने गेन किया है सब कुछ चला जाएगा एक ही सेकेंड में हम देखते हो बी बोलता है हाँ तुमने सही बोला अब नहीं मैं मैंकटा बोलता है तो शुरू करो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए के आ रहा था हम देखते हैं हमारा जो छोटा सा कैट होता है वो इसके लिए खाना लेकर आ चुका होता है एक होता है फायर बैट का फैदर दूसरा होता है एक इन्ग्रीडियंट जो कि आपके स्परिचुअल ब्रेन को ठीक कर देता है और थाउजेंड ईयर का कल्टिवेशन भी डाल देता है उसके अंदर और ड्रैगन का ड्रैगन का क्या ड्रैगन का पंख और ड्रैगन का स्टोन का पंख ला गया भाई क्या क्या खाने के लिए ले आया है हमने मेन कैरेक्टर हम देखते हैं खाना इनफ है हम देखते हैं तीन घंटे बाद का सीन जिस जगह पर ऐसे कोई भी रिजल्ट नहीं निकला क्योंकि ये बंदा अभी अर्थ के अर्थ में रहता है तो इसको अर्थ का कहना ईसूर होता है बस हम देखते हैं कहना इनफ है हम देखते हैं तीन घंटे बाद का सीन जिस जगह पर ऐसे कोई भी रिजल्ट नहीं निकला क्योंकि ये बंदा अभी अर्थ के अर्थ में रहता है तो इसको अर्थ का कहना ईसूर होता है बस तो होता है वो आप सब्जी काट रहा होता है तभी उसका जो होता है हथियार किचन नाइफ वो टूट जाता है तभी हम देखते हैं मैं कह रहा था सलाह मैंने हथियार टूट गया अब मैं साला किससे किससे मैं एक सब्जी काटूंगा तभी हम देखते वो बोलता है तो ठीक है मैं भी जाना है मुझे अभी कोई अच्छा सा एक हथियार बना लेना चाहिए तभी हम देखते हैं वो अपने इन्वेंटरी के अंदर सर्च करने लगता है कि ऐसा कोई हथियार है या नहीं नहीं तो उसके काफ़ी सारे जो हथियार होते हैं जो कि नोवेल वाले हथियार होते हैं सारा ऐसे हथियार भाई मतलब मुश्किल से किसी को एक मिलता है और उसके पास पूरा ढेर है पूरा ढेर तो बोलते मेरे पास तो कोई किचन नहीं है ही नहीं तो मुझे एक बनवाना पड़ेगा तेरे तो वो काफ़ी सोचता है उसके बाद वो बोलते हो ठीक है चलो आज नहीं बाई करते हैं तभी देख तो एक जगह पर आ चुका होता है तभी हम देखते हैं वो उसके पास से कोई जा रहा होता है तेन देखते हम देखते हैं कटोर उसको इग्नोर मारता है तभी हम देखते तो वो उसके चेन्नई बड़े जगह पर आ चुका होता है तभी हम देखते हैं ये जगह कोई नॉर्मल जगह नहीं होता तो मैं तुमको पहले ही बता दूँ इस जगह के बाद जो बड़े बड़े हीरोज़ होते हैं एस एस रैंक एस रैंक के जो हीरोज़ होते हैं वो इस जगह से अपना वेपन बनाता है तो हमारा वेंकटा जगह पर नाइफ बनाने आ रहा है तो भाई मज़ा आएगा तो चलो देखते हैं तो देखते हम वेंकटा उसके अंदर आ चुका होता है वो बोलते तो ठीक है ठीक है मेरे पास एक रेसिप है तो तरव तो उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी लेडी होती है वो बोलते सर आपका आपको क्या बनवाना है तविंद तो बोलते मेरा नाम है सीओ ना रे दविंद वेंकटा तो बोलते हैं मेरा नाम है सी अंगू तो आपसे मिलकर खुशी हुई मुझे और मुझे एक नाइफ बनाना है तेज तो वो लड़की बोलती है तो आपको एक शॉट बनाना है तविंद तो वेंकटा बोलते नहीं नहीं मुझे आपने कुछ गलत समझ लिया तो वेंकटा बोलता है नहीं तो हम देखते मैं क्या बोलता चला नहीं मेरे को शौर नहीं मारना है मेरे को किचन नहीं बनवाना है तो हम देखते सुनते उस लड़की का जैसे कि मुँह ही उतर चुका होता है वो बोलते साला मैंने इसके पीछे इतना टाइम वेस्ट किया साला एक जगह पर किचन नहीं बनवाया है साले को मैं क्या ही बोलू तभी नहीं तो बोलते सर आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है ज़रा वेट कर लो तब तो बोलते साला मैं तेरे को सला तू मिलियन डॉलर से किचन किचन नहीं बनवाना है मैं तेरे को नहीं छोड़ूँगी साली सर हम कि आपका जो ऑर्डर है वो ले लिया गया है तो चलो आप मेरे साथ मैं क्या बताया वो बताया हाँ तो चलो नहीं तो उसका जो एल्फ होता है उसका नाम होता है अरिस्टन अरस्टन तयों देखते हो एलिवेटर के सामने आ चुके होते हैं और अब देखते तो एलवेटर के ऊपर जाने लगता है नहीं देखते मेरे और जो छोटी सी बिल्डिंग होती है बोलते मेरे मेरे पास कोई वेपन नहीं है मुझे भी एक वेपन चाहिए तो तय देखते मेरे बोलते हैं ठीक है मैं तो मैं कोई वेपन दिलवा दूंगा तो तुम चिंता मत करो तयोन देखते हो वो दोनों आ चुके होते हैं उस एल्फ के जगह पर तय देखते उस जगह पर एल्फ काम कर रहा होता है मतलब तो काम कर रही होती है और ये काफ़ी ब्यूटीफुल होती है काफ़ी मैंने इससे सुंदर काफ़ी मैंने आ, जैसे कि हर जो सीरीज़ में होता है कि एल्फ काफ़ी कोई बुढ़ा बूढ़ा आदमी होता है बट इसके पास एक एल्फ काफ़ी सुंदर से लड़की है तो हाँ भाई मज़ा आएगा तभी तो मैं कड़ा बोलता है हाँ तो तुम ही हो वो, वो टैलेंटेड एल्फ तो हमने तो लड़की बोलती है हाँ तो मैं ही यू और तेरे को क्या काम करवाना तभी नहीं तो बोलता है मुझे कुछ बनवाना है वो लड़की बोलते हो तुझे हमने तो लड़की बोलते थे ठीक है तुझे कुछ बनवाना है उससे पहले मैं तुझे बता दूँ कि अगर तुझे मेरे वेपन्स मेरे बच्चे ने चूज़ नहीं किया तो तू तुझे कोई तेरा पैसा वापस नहीं मिलने वाला हमने मैंगेटा बोलते तो ठीक है तो तो लड़की बोलते तो अब बोल तुम्हारा कमीशन क्या है तेन तो यार मैंगेटा बोलते मुझे किचन नहीं बनवाना है हमने तो लड़की बोलते हैं मुझे तुम्हारे क्वालिफिकेशन से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता मुझे बस एक ही चीज़ जानना है मेरे चाइल्ड ने तुमको पसंद किया है या नहीं तो मैं तुमको बता दूँ उसके चाइल्ड से मतलब इसके जो वेपन्स है ये उनको ही अपना बच्चा बोलती है तो कंफ्यूज कन्फ्यूज़ होना ना नहीं तो बोलते है मैं अभी कोरिया में दो साल से हूँ और अब तक अब तक मेरे बच्चों ने किसी भी किसी भी हंटर या प्लेयर को चूज़ नहीं किया है तो तुम सोच समझ के तभी तो लड़की बोलती तो तो फिर तो ये स्कैम हो गया अगर तुम्हारे जो ये तो मीनिंगलेस हो गया तो मैं हम की ही क्यों ही करें तभी तो वेंगटा बोलता ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमने तो बोलते ठीक है मैं समझ गया तभी नहीं तो लड़की और लड़की हमारे वेंकटा को जो पैसा दिखा देती है ये कितना पैसा देना है को देखकर काफ़ी ज्यादा शॉक हो चुका था वो बोलता है इसमें तो काफ़ी ज्यादा जीरो से तभी हम देखते हैं हमें क्या बोलते ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं बनाओ तभी नहीं तो लड़की है मेन कैरेक्टर को मॉक करने लगती है वो बोलती साला तेरे को मेरे वेपन को एक बार देखना चाहिए मेरे बच्चों को तो तेरे को अगर कोई बाई को चांस कुछ किसने पसंद कर लिया तो तेरा तो लकी खुल जाएगा ये बोलकर उसके ऊपर काफी ज़्यादा हंसने लगती है हम देखते मैं क्या बोलते नहीं मुझे तेरे वेपन्स को नहीं देखना तभी देखते उसको खींच के उसके वेपन्स के पास ले जा रही होती है हम देखते हो उसके वेपन्स के पास वो आ चुका होता है तभी हम देखते हैं उस एक बार काफ़ी सारे वेपन्स होता है को देख कर फिर लड़की बोलती है देखो साला मैंने देख मेरा वेपन कितना ज्यादा वेपन है इस जगह पर ये सारे मेरे बच्चे हैं नरेन्द्र मेरे मैं क्या ठीक है, है। हमने इस जगह पर आ चुके तो अभी इस जगह से चलो नेंदे तो उस जगह पर सारे वेपन्स काफी ज़ोर जोर से हिलने लगता है हमने तो उस जगह पर जैसे कि है मतलब आ, चा, चा, सब कुछ हिलने लगता है जिसको देखकर लड़की काफी साथ शौक हो चुके थे तभी तो सारे वेपन उसक, उस, उस, ज़, उसके उस जगह उसके जगह से हिलने लगता है जिसको देखकर लड़की बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कोई को टोई नहीं ये एक मेरे बच्चे है ये ऐसा कैसे कर सकते तभी नहीं तो लड़की उस जगह पर बैठ चुकी हो तो दस साल पहले टेरा में था तभी तभी उसके साथ ऐसा हुआ था तब से उसके साथ ऐसा होना स्टार्ट हुआ हो था जिस जगह पर वो दो जो मास्टर एल्फ होते हैं उसको अपना वेपन दिखा रहे होते हैं हमने तो एक एल्फ बोलता है ये देखो मेरा मास्टर इसने अभी तक किसी को नहीं चुना आ तेरे को भी नहीं मिलना वाला देख ले एक बात तभी नहीं तो वेपन उसके हाथ से छुटकर मेन मैं के पास चला जाता है जिसको देखकर वो वेल काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका था वो बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है तभी हम देखते तो उसके पास बैठा जो एल्फ होता है वो उसको देखकर हंसने लगता है देख सारा है तेरा वेपन तिर छोड़कर चला गया तभी उसके हाथ से भी उसका वेपन चला जाता है जिसको देख रहे हैं मैं बोलता है हाँ मेरे पास सारे वेपन मेरे पाओ से मेरे डर एट्रैक्ट होते हैं और ये सात पा टाइम है जो मेरे साथ हुआ है तभी हम देखते मैं मैं क्या बोलते तो हाँ मैंने उसको पहले ही कॉन किया था ये मेरे इसने मेरे बातों को नहीं सुना इस वजह से मुझे एल्फ किलर एल्फ का ओपन किलर भी मुझे बोला जाता है मैंने काफ़ी सारे एल्फ के आइटम को किल किया है मतलब उनसे छीन लिया है तो मुझे एल्फ का आइटम किधर किलर भी बोला जाता है तभी देखते हैं उसके बाद सारे जो एपेंस होते हैं हम मैंगडा के पास आ चुके होते हैं जिसको देखकर वो लड़की का अभी रो रही होती है वो बोलते हैं मेरी बच्चों मेरे बच्चों मेरे मेरे को छुटकर मत जाओ मैंने तुमको कितना मेहनत से बनाया है ये आदमी बिल्कुल भी ठीक नहीं है तुमको सही से, से नहीं रखेगा तभी मैंकडा बोलता यही सलाम मुझे तुम क्या बोल रही हो ही तुम मुझे क्या बोल रही हो तभी देखते हो बोलते हाँ ये मेरा ही फॉल्ट है मैंने ही तुम्हारे से ये मेरा ही फॉल्ट है मैंने इस जगह पर आके ही गलत कर दिया तभी देखते वो बोलता है लड़की बोलती है तो मेरे एक बच्चा होता तो ठीक है सारे बच्चे तुम्हारे पास कैसे जा सकते नहीं तो मैं, तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे पास नहीं जानेटा बोलते हाँ ये सेवन टाइम है जो एल्फ मुझे बोल रहे हैं दैन देखते मैंगटा बोलता है ठीक है, है तुम अपने रख लो नहीं देखते नहीं बोलते नहीं मेरे बच्चों ने अगर तुमको चुन लिया तो तुम्हारे पास ही जाएंगे वो अभी किसी जगह से हो है तुम मेरे को दे दो नाइन देखते हो लड़की बोलती है तुम तुम्हारे पास कितने ज़्यादा एल्फ के वेपन्स है मुझे साफ साफ बताओ तभी तो मैं कहता बोलता हैं हाँ जरा सो सोच के गिन लेता हूँ थोड़ा नहीं तो बोलता है सौ दो सौ तीन सौ हाँ हाँ याद आ गया पाँच सौ वेपन है शायद नहीं तो लड़की बोलती है तुम्हारे पास पाँच सौ वेपन्स है तो गाइज़ मैं तुमको बता दूँ कि जो एल्फ के वेपन्स होते हैं ये कोई ऑर्डिनरी वेपन नहीं होता मुश्किल से किसी इस रैंक के प्लेयर को एक मिलता है और हमारे मेन कैटर के पास पाँच सौ है तो इसका लेवल तुम समझ ही सकते हो तभी तो लड़की बोलती है सला तू है कौन तेरे पास इतना वेपन आया कहाँ से अरे नहीं तो बोलते मेरे बच्चों का क्या हालत होगा उन वेपन्स के अंदर ये ये सर जाएंगे इनको क्या ही हालत होगा इनका तभी देखते तो वो ऐसा सोच कर काफ़ी शौक़ हो चुकी थी वो बोलते नहीं मैं ऐसा होने नहीं दे सकती तभी हम देखते तो वो उस जगह पर बैठ चुकी होती है जिसको देखा मैं कुछ समझ नहीं आ रहा तभी हम देखते वो एक एक करके सारे वेपन्स को देखने लगता है तभी हम देखते वो बोलता है ये तो फ्लेमिंग सॉर्ड है ओ तो ये फ्लेम माना और माना स्टोन से बनाया गया है काफ़ी ज्यादा अच्छा है और बोलता है वो हमारा अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है ओ ये भी काफी अच्छा है ऐसे करके वो साफ सारे वेपन्स को देखने लगता है हम देखते हो लड़की वो लड़की काफ़ी ज्यादा शौक हो चुकी थी मैन कैटेगरी ऐसे बर्ताव से उस मैन कैटेटर उस सारे वेपन्स को अपने जो होता है वो उसके अंदर रख लिया होता है हम देखते हो एक वेपन बच चुका होता है तभी नहीं तो वो बोलता है ये नेवी के लिए बिल्कुल सही होगा तभी नहीं तो बोलते नेवी तुम्हारे लिए कोई वेपन है इस चाहिए पा रहा हूँ तभी नहीं तो नैवी को वो ट्राई करने बोलते है नेवी उसको ट्राई भी कर लेता है वो वेपन उसका बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है हम हमने तो बोलते हाँ मेरा पहला वेपन बोलते हैं यू मास्टर आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया हमने नैबी उसको पका बहुत ज़्यादा खुश होती है नहीं तो वो इधर उधर उसको चलाने लगता है और मेन कह रहे उसका फ़ोटो खींचने लगता है हमने तो लड़की वो काफ़ी काफ़ी से दुख में अपना जो किचन नाइफ है वो बढ़ने लगती है वो बोलते सलाह तू मर तू मर जा साला तो तूने मेरे सारे बच्चों को चुरा लिया हमने तो बोलते हाँ मेरा हमारा रिलेशनशिप पास्ट में भी काफी, फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छा होने वाला है तो मिलते रहेंगे हमने तो बोलते नहीं तुम मेरे वर्कशॉप पर अभी कभी मत आना कभी मत मेरे वर्कशॉप पर आना तुम तुमने तो उसने तो उसका कैप्चर ने बनाकर दे दिया होता है वो बोलते हो तुम काफ़ी स्किल्ड हो और हाँ तो फिर चलो चलते हैं मिलते हैं लिस्टर कभी अच्छे टाइम में अगर तुम अच्छे मूड में हो तो ठीक है हमने तो लड़की बोलते हैं हाँ साल अच्छा मेरे चिल्ड्रेस का डेफिनेटली ध्यान रखना अगर उनको कुछ भी आओ तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी